नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी चैप्टर का रिवीजन। तो उससे पहले हम समझेंगे कि यार पहले एग्जेम सप्लाई होती क्या है, एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी वाला अपने को समझना क्यों जरूरी है। तो उससे पहले जाएंगे एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन पे। तो एग्जेम सप्लाई में तीन चीजें आती हैं, ऐसी सप्लाईज जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जैसे पेट्रोलियम के जो पांच प्रोडक्ट्स थे, अल्कोहल था, ये जीएसटी के स्कोप से बाहर है, तो इनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। और ऐसी सप्लाई जिस पर टैक्स तो लगता है, ना ही कोई एग्जेम्पशन है, टैक्स तो लगेगा, बट उसका जो टैक्स रेट दिया हुआ है जीरो रेट दिया हुआ है, तो जो निल रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है जिसका, या फिर ऐसे सप्लाई जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, तो एग्जेम्प्ट कौन करता है, कैसे करता है, एग्जेम्प्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसकी रिकमेंडेशन पे, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, या तो नोटिफिकेशन इशू करेगी या फिर ऑर्डर इशू करेगी। नोटिफिकेशन या ऑर्डर इशू करके किसी भी चीज को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि भैया इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो वो एग्जेम्प्ट गुड्स भी हो सकते हैं, एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी हो सकती हैं। एग्जेम्प्ट गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्जेम्प्ट सर्विसेज हम जो है सारी वो इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने कोई एग्जेम्प्शन इशू कर दिया, अब उसके अगर एक साल के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट कोई एक्सप्लेनेशन या फिर क्लैरिफिकेशन अगर इशू कर देती है, ऐड कर देती है, तो क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन का जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा जिस दिन से वो नोटिफिकेशन इशू किया गया था, ठीक है। कहने का मतलब जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है वो गवर्नमेंट उसी दिन कहना चाहती थी जिस दिन उसने नोटिफिकेशन इशू किया था। तो चलिए अपन इस चैप्टर को कैसे लेके चलेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऐसी एग्जेम्पशन जिस पे ना तो सीजीएसटी लगता है, ऐसी सप्लाई जिस पे ना तो सीजीएसटी लगता है, ना एसजीएसटी लगता है, ना आईजीएसटी लगता है, तो मतलब ये टोटली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं और उसको भी हम पढ़ेंगे सेक्टर वाइज, सेक्टर वाइज। तो सेक्टर वाइज जब हम पढ़ेंगे तो उससे एक तो याद करना आसान हो जाएगा, माइंड में क्लिक करना आसान हो जाएगा। तो चलिए सेक्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA(ab) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के 12AA(ab) में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है चैरिटेबल एक्टिविटीज की, चैरिटेबल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं इसको डिफाइन किया गया है। पब्लिक हेल्थ हो सकता है, पब्लिक हेल्थ हो सकता है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी होगा हो सकता है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है। तो पब्लिक एंड हेल्थ की बात करें, पब्लिक हेल्थ की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या सब कुछ आएगा, नहीं। इसमें क्या क्या आता है कि केयर एंड काउंसलिंग ऑफ, अगर आपको देखभाल कर रहे हो, उसकी एडवाइस वगैरह कर रहे हो, किसको, जो टर्मिनली इल पर्सन है, बिल्कुल मरने वाला है, कैंसर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, एचआईवी एड्स अफेक्टेड है, ठीक है, या फिर कोई जिसको नार्को नशे की लत है या फिर दारू की लत है, उसको अगर आप देखभाल कर रहे हो या फिर उसकी काउंसलिंग कर रहे हो और आप ट्रस्ट हो तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप अवेयरनेस फैला रहे हो प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, एचआईवी प्रिवेंशन के लिए, तो ऐसा अगर काम कर रहे हो तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा कर रहे हो तो ऐसे केस में भी आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे रामदेव बाबा ने योगा का कैंप लगाया, या फिर हो सकता है जो सदगुरु है उन्होंने एक स्पिरिचुअल कैंप लगाया, तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट किनका, अबेंडेंट, जिनको छोड़ दिया गया है, जिनके मां बाप नहीं है, होमलेस चिल्ड्रन है, जो फिजिकली या फिर मेंटली अब्यूज्ड हैं, जैसे किसी के ऊपर कोई एसिड अटैक सर्वाइव किया है किसी ने, तो फिजिकली मेंटली अब्यूज है, तो उसकी अगर कोई देखभाल वगैरह एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, कोई प्रिजनर है, जेली कैदी है, या फिर कोई पर्सन एज मोर देन 65 इयर्स, एज मोर देन 65 ईयर और रूरल एरिया से होना चाहिए, अगर उनकी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा, तो ऐसे केस में वो एग्जेम्प्ट है। अगर एनवायरमेंट, वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इनके प्रिजर्वेशन के लिए वो काम किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बट हाँ, ये जो एक्टिविटीज की हमने बात करी, ये सारी क्या है, चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब इनके अलावा अगर कोई एक्टिविटीज करता है, चाहे वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 12A, 12AB, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्टिविटी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। मान लो कोई ट्रस्ट है, ठीक है, उसने ये वाला काम कर रहा था, अब जहां पे वो काम कर रहा था वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, एक एडवर्टाइजमेंट लगा दिया किसी कंपनी का, उसके लिए पैसा चार्ज कर लिया उस कंपनी से, तो वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन में कवर नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज चैरिटेबल वाला दे रहा है तो उस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी होंगी तो जीएसटी नहीं लगेगा, इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी होगी तो जीएसटी लग जाएगा। यहां पे हमने बात करी कि चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप कोई सर्विसेज चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अगर कोई सर्विसेज आप चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा,
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट बिकॉज हमने चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड किए, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। उसके बाद अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी की तरह सर्विसेज प्रोवाइड किए, रिलीजियस सेरेमनी जैसे आपके घर पे कोई किसी नई पैदा हुआ है, कोई मैरिज है, तो उसके रिलेटेड कोई सेरेमनी रखवाई, वहां पर पंडित जी आए या फिर कोई मौलाना आए, उन्होंने कोई रिलीजियस सेरेमनी करी, तो उन सेरेमनी के लिए जो मौलाना या फिर जो पंडित जी हैं उनको कोई पैसा पे किया होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपको रिलीजियस प्लेस को, रिलीजियस प्लेस जैसे मंदिर हो सकती है, मस्जिद हो सकता है, चर्च हो सकता है, गुरुद्वारा साहब हो सकता है, तो उसका जो प्लेस है वो प्लेस के अगर आउटर बाउंड्री वॉल में, आउटर बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर कोई उन्होंने जगह है, उनके पास रूम है या फिर कोई पंडाल है, ओपन एरिया है, ठीक है, या फिर कोई दुकानें बना रखी हैं ताकि दुकानें रेंट पे दी जा सके जो जिसको बिजनेस करना है और उससे इनकम हो जाएगी वो रिलीजियस प्लेस को, तो अगर ऐसा कुछ है, वो इमोबल प्रॉपर्टी है, अगर उसको रेंट पे दिया है, उसको रेंट पे दिया है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AAB या फिर 1023 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो अब मंदिर, गुरुद्वारा या फिर कोई मस्जिद हो गई या फिर चर्च हो गया, तो इनके केस में, पर ध्यान रखना अगर इन्होंने रूम रेंट पे दिया है, अगर इन्होंने रूम रेंट पे दिया है और रूम का किराया 1000 रुपए से ऊपर या 1000 है पर डे, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा भले ही वो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। अगर इनका कोई प्रिमाइस है, होल है, पंडाल है, ओपन एरिया जो कि आउटर बाउंड्री वॉल के अंदर ही है, जैसे कई बार मंदिर के अंदर ही पंडाल होता है, तो अगर आपको मैरिज करनी है तो मंदिर के अंदर ही मैरिज कर सकते हो और वहां पे वो पंडाल का किराया अगर रेंट ले रहे हैं आपसे 10,000 रुपए पर डे या फिर उससे ज्यादा अगर ले रहे हैं आपसे तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, उससे कम होगा तो नहीं लगेगा। अगर कोई शॉप या स्पेस बना रखा है, कोई शॉप बना रखी है जहां से आप बिजनेस कर सकते हो, तो वो मंदिर है ना, मंदिर के बाहर ही 3-4 शॉप बना दी, अब वहां पर आप बिजनेस कर सकते हो, वो रेंट पे दे दी आपको शॉप, अगर वो रेंट पे दिए 10,000 रुपए तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर पर मंथ चार्ज किया गया है तो ऐसे केस में उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। अब बताओ ये मंदिर है यहां पे, इनकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, मंदिर के पास नहीं है, दूसरी कहीं और प्रॉपर्टी है, तो उसको रेंट पे दिया तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बात करी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मंदिर के ही आउटर बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर है, उस पे एग्जेम्पशन है, बट उसमें भी 10,000 रुपए का ये जो लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं रिलीजियस प्रीमियम से, धार्मिक यात्रा। अब देखो कोई धार्मिक यात्रा होती है जैसे हज यात्रा होती है या फिर कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, तो यहां पर बोल दिया गया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, ये लोग क्या करते हैं, इनके थ्रू आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हो, ये आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराते हैं, कुछ 30-35,000 रुपए लगते हैं। तो वो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाई जा रही है कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा, तो जो ये पैसा ले रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया या स्टेट हज कमेटी के द्वारा आपको हज यात्रा करवाई जा रही है उसके लिए पैसा लिया जा रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बट हां, अगर इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी और ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई, हज कमेटी ऑफ इंडिया, स्टेट हज कमेटी, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, इनके अलावा अगर किसी ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई तो ऐसे केस में उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ये इनको ही सिर्फ एग्जेम्पशन है। उसके बाद अगर कोई ट्रेनिंग एंड कोचिंग दी गई है, कोई ट्रेनिंग या फिर कोचिंग दी गई है किस सेक्शन में, आर्ट में या फिर कल्चर में, आर्ट और कल्चर क्या होते हैं, आर्ट और कल्चर में क्या आ जाएगा, डांस आ गया, सिंगिंग आ गया, पेंटिंग आ गया, थिएटर आ गया, लिटरेचर आ गया, स्क्रिप्ट आ गया, ये सारी चीजों में अगर कोई ट्रेनिंग या कोचिंग दी गई है किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट स्पोर्ट्स के अंदर अगर ट्रेनिंग दी गई है चैरिटेबल एंटिटी के द्वारा जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA, 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान रखना आर्ट एंड कल्चर के केस में सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउड है और स्पोर्ट्स के केस में चैरिटेबल एंटिटी को एग्जेम्पशन अलाउड है। अगर मान लो स्पोर्ट्स के केस में इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है तो उसको अलाउड नहीं है ये एग्जेम्पशन, आर्ट और कल्चर के केस में अगर चैरिटेबल प्रोवाइड करता है तो उसके केस में उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके साथ एक और बताता हूं, जैसे कोई मान लो रामदेव बाबा ने कोई एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, अब कैंप में क्या है, 2 दिन का रेजिडेंशियल कैंप है, ठीक है, वहां पे क्या किया जाएगा, आपको योगा कैंप है, योगा कैंप है, आपको योगा करना है पूरा दिन और रात को रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब वहीं पे की हुई है, तो एक तरह से रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वहीं पे रहोगे, वहीं पे वो योगा करोगे। अब उसमें से मेन जो सप्लाई है वो क्या है, योगा, योगा के लिए आप वहां गए हो तो योगा क्या है, एग्जेम्प्ट है, ट्रस्ट के द्वारा कराया गया हो, और जो रहना सहना खाना पीना प्रोवाइड किया गया वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या एग्जेम्प्ट करें, क्या टैक्सेबल करें, तो ऐसे केस में इसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा जिसमें मेन सप्लाई क्या है, योगा, जो कि है एग्जेम्प्ट, तो ऐसे केस में पूरी ही सप्लाई क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रिंसिपल है, तो पूरी सर्विसेज क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब मान लो इसमें जो अदर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं जो टैक्सेबल है, अगर वो प्रिंसिपल सप्लाई होती तो ऐसे केस में ये टैक्सेबल हो जाता, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहता, ठीक है। और दूसरी बात मैंने करी कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होती जस्ट बिकॉज वो चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रोवाइड की गई है।
अगर उसके लिए स्पेशल कोई एग्जेम्पशन है तो बात अलग है, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट नहीं होती। ठीक है, ये अपन ने कंप्लीट किया चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। अब अपन चलेंगे सेक्टर पे, अब अपन सेक्टर देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले मैं बताता हूं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर से क्या मतलब है। एग्रीकल्चर से मतलब है कि आप पेड़ पौधे उगा रहे हो, पेड़ पौधे उगा रहे हो, या फिर आप पशुपालन कर रहे हो, किसी पशु को पाल रहे हो, या फिर आप पेड़ पौधे उगा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। बट यहां पे पशुपालन की जब बात आती है तो उसमें हॉर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। जो हॉर्स होता है ना, वो एक महंगा एनिमल माना जाता है, उसको माना जाता है कि भैया इसको पालने वाले व्यक्ति को एग्जेम्पशन की जरूरत नहीं है, हॉर्स को जो पालेगा मतलब वो अमीर आदमी है। ठीक है, उसको ये सब चीजें की जरूरत है नहीं एग्जेम्पशन की, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। बट अगर हॉर्स के अलावा कोई भी एनिमल को आप पाल रहे हो या फिर प्लांट को कल्टीवेट कर रहे हो, क्यों करते हो आप, फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल सिमिलर थिंग्स के लिए, तो ऐसे केस में उसे क्या बोला जाएगा, एग्रीकल्चर बोला जाएगा। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है कोई भी प्रोड्यूस जो आपने जो पेड़ पौधे उगाए उससे आपको जो मिला, ठीक है, या फिर आपने पशुपालन किया उससे जो आपको मिला, जो एग्रीकल्चर आपने किया उससे जो आपको मिला है प्रोड्यूस, जिसके ऊपर ना तो कोई फर्दर प्रोसेसिंग की गई है, इसका मतलब जैसा वो मिला वैसा का वैसा, मैंने पेड़ से सेब तोड़े तो सेब मिले तो सेब क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। बट या फिर उसके ऊपर अगर प्रोसेसिंग कर दी, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दी जिससे उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रहा, जिससे उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रहा, तब तक वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाएगा। मतलब अगर आपने कोई पेड़ पौधे से उगाया उससे आपको कुछ मिला, अगर आपने उसके ऊपर ऐसी प्रोसेसिंग कर दी जिससे कि उसका इसेंशियल नेचर ही चेंज हो गया, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहेगा। बट जब तक उसका इसेंशियल नेचर चेंज नहीं होता तब तक अगर आपने प्रोसेसिंग भी की है तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें जब चाय उगती है तो चाय की पत्ती होती है, ठीक है, और ऐसे ही जब कॉफी उगती है तो कॉफी के बीन्स होते हैं, तो उनको जब प्रोसेस कर दिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है, रश कर दिया जाता है, तो चाय पत्ती का क्या क्या बना दिया जाता है, दाने बना दिए जाते हैं चाय के, है ना, और जो कॉफी होती है कॉफी का पाउडर बना दिया जाता है। तो जो एक कॉफी और टी बन जाते हैं वो फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहते क्योंकि उनका नेचर ही चेंज कर दिया। तो जो चाय की पत्ती होती है या फिर कॉफी के बीन्स होते हैं वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, बट जैसे ही उनको चाय के वो दानों में और कॉफी के पाउडर में कन्वर्ट कर दिया वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहेगा। ऐसे ही जो गन्ना होता है, गन्ना वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, बट उस गन्ने को आप प्रोसेस करके उसका गुड़ बना देते हो तो जो गुड़ होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। जो टोमेटो होता है वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है पर उसका केचप बना दिया तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। ऐसे पोटैटो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है बट पोटैटो के अगर आपने चिप्स बना दिए तो वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहेगा। अगर आपका कोई पैडी है, मतलब जब चावल उगाते हैं ना, चावल उगाते हैं तो हमें पैडी मिलता है, धान बोलते हैं धान, तो उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको मिल किया जाता है, उसके बाद उसके राइस बनते हैं, ठीक है, तो राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते, ध्यान रखना राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है जो धान मिलती है, बट उसमें से अगर आप चावल निकालते हो तो चावल आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते। वीट, वीट मतलब गेहूं, गेहूं जब उगता है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, पर गेहूं को जब जैसे ही आटा बना दिया जाता है, उसको पीस के आटा बना दिया जाता है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहता क्योंकि उसका नेचर ही आप चेंज कर देते हो। एक पूरी दाल आती है, पूरी दाल आती है जब पैदा होती है तो पूरी दाल होती है, वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, बट जब उसको पीस के उसके दाने कर दिए जाते हैं तो उसको फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बोला जाता, ठीक है। तो अब पहले हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या क्या एग्जेम्पशंस दी गई हैं। इसमें बोला गया है कि कोई भी अगर एग्रीकल्चर का ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे कल्टीवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, मतलब फसल उगाना, उसको काटना, उसका प्लांट प्रोटेक्शन करना, टेस्टिंग करना, ये सारे जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है वो सारे क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर कोई फार्म पे लेबर सप्लाई हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए आपने लेबर लगाई जो कि वहां पे आपका एग्रीकल्चर का काम करेगी, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर ही, मतलब जो आपका खेत है उसके ऊपर ही कोई ऐसी एक्टिविटी की गई है जिससे आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कोई नेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसेंशियल नेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई खाली जमीन रेंट पे दे दी या फिर कोई एग्रीकल्चर की मशीनरी है उसको रेंट पे दिया है एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड राइस, देखो ध्यान रखना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता इसलिए इसको स्पेशली एग्जेम्प्ट किया। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर कोई भी है और राइस है तो ऐसे केस में उसका लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउस सब क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसी के साथ ही आप वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करोगे, वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और इवन स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अगर करोगे तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा।
उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब फार्मर्स की एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, जैसे किसान कॉल सेंटर बनाए जाते हैं, तो ऐसे कोई अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है जिससे कि किसान को ट्रेन किया जा रहा है, उनको एजुकेशन दी जा रही है, उन्हें बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो अलग अलग मंडियों में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बनाई होती है, और जो कमीशन होते हैं, एजेंट होते हैं, आरटीए, अगर उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड अगर सर्विसेज दी है तो जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है, जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, तो मतलब फसल के उगने से पहले अगर आपने कोई इस फसल पे काम करवाया है, जॉब वर्क करवाया है, तो उसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई आप पशुपालन कर रहे हो और उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट हॉर्सेस, ठीक है। अगर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्री कंडीशनिंग करवाया है, प्री कूलिंग करवाया गया, रिपनिंग करवाया, वैक्सिंग करवाया, रिटेल पैकिंग या लेबलिंग करवाया है, कहने का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, अब होता क्या है कि सीजन में उगते हैं, अब पूरे साल अगर उसको मेंटेन करना है तो उनको पूरे कंडीशनर रूम्स में रखना पड़ता है, पूरा उनके ऊपर वैक्स वगैरह लगा के उनको प्रॉपरली रखना पड़ता है, ताकि इनको नॉन सीजन में भी बेचा जा सके, लंबे टाइम तक रखा जा सके। तो ऐसा प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग वगैरह किया है जिससे उसका इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे भी जो ये एक्टिविटीज की गई है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे ही कोई नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट है, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट है थ्रू कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। अब क्या हुआ कि कोल्ड चेन हमारे देश में बहुत कम है, हमारे देश में वेयर हाउसेस तो हैं बट जो कोल्ड रखने वाले जो वेयर हाउस हैं वो बहुत कम है, तो उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, जो कि ज्ञान देता है कि कैसे कैसे कोल्ड चेन सेंटर बनवाने चाहिए, अगर उसने कोई सर्विसेज दिए तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर की। तो देखो एजुकेशन सेक्टर में जो भी एग्जेम्पशन दी गई है वो किसको दी गई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी गई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी गई है। तो हमारा समझना जरूरी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, क्या हर कोई एजुकेशन देने वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, नहीं। यहां पर डिफाइन कर दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। इसका मतलब है ऐसा इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज एज अ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, मतलब जो प्री स्कूल, स्कूल से पहले के जो स्कूल होते हैं जैसे आंगनबाड़ी हो गया या प्ले स्कूल्स होते हैं, तो ये सब स्कूल हो गए, और ट्वेल्थ तक के जो स्कूल होते हैं, हायर सेकेंडरी मतलब ट्वेल्थ तक के जो स्कूल होते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करा रहे हैं एजुकेशन एज अ करिकुलम टू ऑब्टेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, जब लॉ की बात करता हूं तो मैं इंडियन लॉ की बात करता हूं, इंडियन लॉ में कोई डिग्री प्रिस्क्राइब की गई है, मान लो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीए, बीबीए, एमबीए, बीसीए, बीसी, जो भी डिग्री है, वो सारी डिग्री जो प्रोवाइड कराते हैं, इसका मतलब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं एज ए करिकुलम टू ऑब्टेन रिकॉग्नाइज बाय द लॉ, तो उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, मतलब जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज होते हैं अगर उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स कौन से होते हैं, देखो वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं, ऐसे कोर्सेज जिनसे कि आपको रोजगार मिल सके, जिससे कि आप अपना काम कर सको, स्किल डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स अगर पढ़ोगे तो इसको बोला गया है कि ऐसे कोर्सेज जो रन किए जा रहे हैं आईटीआई या फिर आईटीसी के द्वारा, ठीक है, जो ये आपको डिप्लोमा वगैरह देते हैं, और एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स जिनमें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ऐसे स्किल डेवलप किया जाता है, ऐसे कोर्सेज जो अप्रूव्ड किए गए हैं एनसीबीटी या एससीबीटी द्वारा। एनसीबीटी या एससीबीटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, सेक्टरल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इनका पूरा है। ये जब अप्रूव कर देते हैं कोई कोर्सेज को तो उसको बोलते हैं अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन का काम है, पेंटर का काम है, प्लंबिंग का काम है, टेलर का काम है, ये सारी चीजों में अगर आपको कोर्स करवाया जाता है कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे कोर्सेज को करवाने वाला इंस्टीट्यूट भी क्या कहलाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहलाएगा। पर वो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स किसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, एनसीबीटी एससीबीटी के द्वारा। तो एक तो 12वीं तक का स्कूल हो गया, एक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज हो गए, और एक अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब बताओ जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो आपको कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, ठीक है, IAS, IPS की तैयारी करवा रहे हैं, CACS की तैयारी करवा रहे हैं, तो ऐसे केस में वो यहां पे कवर नहीं होते, उनके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर वाले तीनों पॉइंट में वो कवर नहीं हो रहे। तो ऐसे केस में ये प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ट्रेनिंग वगैरह देते हैं तो उनके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगे। और दूसरी बात मैंने बोला था
डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, लॉ मतलब इंडियन लॉ, अगर फॉरेन लॉ में कोई डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो यहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कवर नहीं होगा। चलिए ये तो बात समझ गया कि 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स जो प्रोवाइड करा रहे हैं। अब वो एक बार बात बोल दी गई कि जो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड होते हैं, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है, आरबीएसई हो गया, हर राज्य स्टेट का जो बोर्ड होता है, जैसे राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, तो अगर ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम, अब ये लोग क्या करवाते हैं, बोर्ड के एग्जाम करवाते हैं 10, 12th के। अब जो बोर्ड के एग्जाम करवाएंगे, अब ये बच्चों को पढ़ा तो रहे नहीं है, ये तो सिर्फ एग्जाम करवा रहे हैं, तो बोल दिया गया कि ये जब एग्जाम करवा रहे हैं तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाने के पर्पज से इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाएगा, तो इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाएगा सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड को। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, अथॉरिटी बोर्ड या फिर कॉन्स्टिट्यूट किया है, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये नीट वगैरह का एग्जामिनेशन करवाते हैं या फिर जी मेन्स वगैरह एग्जामिनेशन देते हैं, जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ऐसी अथॉरिटी, उनको भी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के पर्पज से क्या माना जाएगा, इनको भी क्या माना जाएगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट माना जाएगा। तो मतलब एजुकेशन क्लियर है, 12th तक कॉलेज, इंस्टीट्यूट और वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही जो ये बोर्ड्स वगैरह होते हैं, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड वगैरह, और फॉर्म किए गए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सब भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहलाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पस से, ठीक है। तो अब इसके साथ एग्जेंप्शंस क्या है, अब ये समझते हैं। सबसे पहले अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट समझ गया कि क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अब हम समझते हैं कि भैया हमें एग्जेंप्शंस क्या मिली हुई है इसके अंदर। तो इसके अंदर बोला गया कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो अगर उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसको, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, उनके स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, स्टाफ है, उनको अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। अब भले ही वहां पे उन्होंने उसको बोर्डिंग स्कूल हो तो वहां पे रहने की सर्विसेज प्रोवाइड कराई हो, भले ही एजुकेशन के लिए उनसे फीस ली जा रही हो, भले ही वहां पे खाने के लिए खाना दिया जा रहा हो, फूड दिया जा रहा हो, मतलब कोई भी सर्विसेज दी हो, अगर वो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को दी है तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर वही सर्विसेज अदर देन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ दिया है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। जैसे मान लो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है क्योंकि वो डिग्री प्रोवाइड कर रहा है एमबीए की। अब उसके अंदर मान लो जो बच्चे पढ़ लिए उनके लिए कैंपस ऑर्गेनाइज किया गया, उनके लिए किया गया कि भैया इनको नौकरी दिलवाएंगे तो यहाँ पे कंपनीज आएंगी, तो कंपनीज आएंगी तो कंपनी से पैसा चार्ज किया गया, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स थे, जो कंपनियां आई हायर करने के लिए, उनसे पैसा चार्ज किया गया यहाँ पे हायरिंग करने के लिए, तो वो जो पैसा चार्ज किया गया है वो कंपनीज ना तो स्टूडेंट है, ना फैकल्टी है, ना स्टाफ है, तो सर्विसेज किसको प्रोवाइड की गई है, उन कंपनीज को, तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई सर्विसेज दी है तो जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट इसके अलावा अगर किसी को सर्विसेज दी है तो जीएसटी लग जाएगा। उसके अलावा अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया है, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया है अगेंस्ट दी एंट्रेंस फीस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया है अगेंस्ट दी एंट्रेंस फीस, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब होता क्या है, जो एंटर लेने आया है आपके इंस्टीट्यूट में, एंट्रेंस एग्जाम देने आया है, इसका मतलब हो सकता है वो स्टूडेंट नहीं हो, बट फिर भी अगर आपने उससे एंट्रेंस फीस चार्ज करी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो बात हो गई जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सप्लायर होता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे ऐसी सर्विसेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसीव करता है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इनपुट सर्विसेज कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हैं, वो हम बात करेंगे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने अगर सर्विसेज ली है, मतलब अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हमने ऊपर पढ़े थे, ध्यान रखना ऊपर वाले जो सेक्शन में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में जो इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, उनके लिए कोई भी एग्जेम्प्शन नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बराबर पूरा टैक्स लगेगा, ठीक है। अब यहां पे बोल दिया गया कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी स्टाफ एंड स्टूडेंट, मेरे को स्टाफ स्टूडेंट वगैरह को घर पे पहुंचाना है, घर से स्कूल लाना है, उसके लिए मैंने किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज ली है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील, मुझे बच्चों को खाना प्रोवाइड करना है, मिड डे मील देना है, तो उसके लिए मैंने खाना बनाने के लिए हलवाई को हायर किया है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग की सर्विसेज ली गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहां तक का होना चाहिए, 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए, या तो कोई प्री स्कूल या फिर 12वीं तक का अगर स्कूल होगा तभी इन तीन चीजों पे एग्जेम्प्शन मिलेगी। अगर वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है या फिर वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स वाला इंस्टीट्यूट है तो उन्हें इन तीन केसेस में एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगी। अगर वो लोग
रिसीव करेंगे ऐसी सर्विसेज, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। बट अगर 12वीं तक का स्कूल है तो ऐसे केस में अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेते हैं, कैटरिंग की सर्विसेज लेते हैं, सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग की सर्विसेज लेते हैं, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब ध्यान रखना, जो सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विसेज है वो कहां परफॉर्म होनी चाहिए? विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मान लो अगर इसी किसी स्कूल ने अपना एनुअल फंक्शन डे रखवाया, कहां पे रखवाया? अपने स्कूल के बाहर किसी बैंकेट हॉल में रखवाया। अब वो बैंकेट हॉल में उन्होंने खाना वाना बनवा, सॉरी, वहां पे क्लीनिंग वगैरह करवाई, वहां पे सिक्योरिटी वगैरह रखवाई, तो ऐसे केस में वो स्कूल के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, उसे एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। बट हाँ, अगर मैंने उसी बैंकेट हॉल में कैटरिंग की सर्विसेज ली होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैटरिंग कहीं भी हो अगर स्कूल ने लिया है तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कोई सर्विसेज ली गई है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी अगर इनपुट सर्विसेज ली गई है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कौन कौन सी इनपुट सर्विसेज हो सकती हैं? मान लो आपने पेपर प्रिंट करवाया, ठीक है, आपने कोई टेस्टिंग करने वाले जो अध्यापक हैं उनको पैसा दिया कि भाई कॉपी चेक करने के लिए, या फिर वहां पे रहने के लिए पैसा दिया, या फिर आपने रेंट पे लिया जगह जहां पे बच्चे जाके एग्जाम दे सके एग्जाम सेंटर्स को, तो ऐसी जो सर्विसेज आपने ली हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, उसके लिए भले कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, 12वीं तक का स्कूल हो, या फिर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वाला हो, या फिर सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड हो, सभी लोगों को क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। बट हाँ, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं है, मान लो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसने कोई सर्विसेज ली है, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की सर्विसेज ली है, कोई ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या पीरियोडिकल की सर्विसेज ली है, किसने? कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट ने, मतलब ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच इज प्रोवाइडिंग द एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम टू ऑब्टेन द डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। तो जो ये अपन ने तीन चीज पढ़ी थी, इसमें से जो सेकंड वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर इसने सर्विसेज ली है कौन सी, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल पीरियोडिकल की, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इसके अलावा किसी ने ली है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, समझ गए। अब उसके बाद हो सकता है कि आपने जो दो कोर्स कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि एक आपने 5 लाख रुपए दिए, उसके बदले में आप कोई दो कोर्सेज कर रहे हो, एक तो इंडियन लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब है, एक फॉरेन लॉ के द्वारा। तो अब इंडियन लॉ वाला तो एग्जेम्प्ट है, फॉरेन लॉ वाला टैक्सेबल है, तो मतलब आप दो डिग्री कर रहे हो जिसमें एक एग्जेम्प्ट है एक टैक्सेबल है। तो ऐसे केस में अगर उन दोनों डिग्री को सेपरेट किया जा सकता है, मतलब जो 5 लाख रुपए हैं वो पता लगाया जा सकता है कि किस डिग्री के लिए कितना दिया है, तो वो सेपरेटली जो एग्जेम्प्ट वाला है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल वाला टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता तो इसे मिक्स सप्लाई माना जाएगा और पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो एक एग्जेम्प्ट था एक टैक्सेबल था, दोनों के लिए 5 लाख रुपए दिया, उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरे 5 लाख रुपए पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो अगर इसने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, तो ये दो टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक तो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है, जैसे पीजी प्रोग्राम जो होता है कैट के थ्रू जाते हैं, तो उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है, उसके बदले में डिग्री मिलती है आपको, डिप्लोमा मिलता है, 1 साल से ज्यादा का क्या होता है वो प्रोग्राम होता है, 1 साल से ज्यादा आपको वहां पे रहना पड़ता है, तो उसे तो कर दिया एग्जेम्प्ट, वो तो होगा एग्जेम्प्ट क्योंकि वहां पे आपको डिग्री मिल रही है और 1 साल से ज्यादा का कोर्स है। और शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम भी IIM प्रोवाइड करता है, जहां पे आपको कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं दिया जाता और 1 साल से कम का प्रोग्राम होता है, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फूड कैटरिंग सर्विसेज है, अब देखो अगर फूड कैटरिंग सर्विसेज, पहली बात, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फूड कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो स्कूल है स्कूल ही फूड बना के बच्चों को दे रहा है या फैकल्टी स्टाफ को दे रहा है, तो सिंपल बात है एग्जेम्प्ट, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने कोई भी सर्विसेज दी तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर फूड कैटरिंग सर्विसेज के लिए आपने आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी डायरेक्टली बच्चों को दे रही है या फैकल्टी स्टाफ को दे रही है, तो थर्ड पार्टी और बच्चे फैकल्टी स्टाफ के अंदर डील हो रहा है, तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट आई नहीं जा। अब अगर थर्ड पार्टी दे रहा है सर्विसेज किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगे दे रहा है बच्चों को, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जो बच्चों को सर्विसेज दी वो तो एग्जेम्प्ट है। अब जो थर्ड पार्टी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विसेज दी है, अगर वो दिया है 12वीं तक के स्कूल को, तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर बाकियों को दिया है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कंपनी से अगर अमाउंट चार्ज करेगा, तो ना तो फैकल्टी है, ना स्टाफ है, ना स्टूडेंट है, तो ऐसे केस में वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। जो मैरीटाइम ट्रेनिंग कोर्स होते हैं वो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स होते हैं, ऐसे केस में इसे भी क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी भी क्या होता है, प्री स्कूल होता है, और प्री स्कूल के रिलेटेड अगर कोई आपने फूड से रिलेटेड सर्विसेज दी है, मिड डे मील से रिलेटेड सर्विस है, तो ऐसे केस में वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, 12वीं तक को एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। हमने बात की थी जो स्टेट बोर्ड होते हैं, सेंट्रल बोर्ड होते हैं, या फिर बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट की है गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम, ठीक है। अब अगर उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मान लिया है
तो ऐसे केस में जो वो बच्चों से फीस चार्ज करेंगे एजुकेशन का जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, तो वो एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए फीस चार्ज किया जाएगा बच्चों से, वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो आउटपुट सर्विसेज रिलेटेड टू एग्जाम है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके रिलेटेड अब एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए वो कुछ इनपुट सर्विसेज लेंगे, जैसे एग्जामिनर हो गए, टेस्टिंग हो गई, एडमिशन हो गया, ये सारी सर्विसेज होंगी। मान लो रेंट पे लेना पड़ेगा कुछ जगह एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, तो ये सारी सर्विसेज भी क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अगर कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कोई पैसा चार्ज किया गया, ये भी किससे होता है, ये एग्जाम से रिलेटेड होता है, तो इसलिए भी इसे क्या किया गया, एग्जाम। बट एग्जाम के अलावा अगर कोई चीज है, तो देखो एग्जाम पर्पज से हम इसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट मान रहे थे, तो एग्जाम के अलावा अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है, ली जा रही है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट अक्रेडिटेड होना चाहता है किसी पर्टिकुलर CBSE, SBSE, RBSE से, तो उसने उससे पैसा चार्ज किया, या प्रोफेशनल को कोई सर्टिफिकेशन चाहिए उसके लिए पैसा चार्ज किया, तो वो क्या एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है एजुकेशन सेक्टर। अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर की, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि हेल्थ केयर सर्विसेज होती क्या है। सबसे पहले जो समझना जरूरी है वो क्या है, हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है, फिर अपन बात करेंगे। तो हेल्थ केयर सर्विसेज समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि हेल्थ केयर सर्विस देखो क्या होता है, एक तो डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता लगाना, तो इसका मतलब जो लैब वगैरह होते हैं, जो लैब वगैरह को काम करते हैं, जो बीमारी का पता लगाते हैं, आपके टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएंगे। कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा है, आपको कोई सर्जरी किया जा रहा है, आपको कोई दवाई दी जा रही है, एडवाइस किया जा रहा है, वो सारा क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, मतलब बीमारी का इलाज करना। केयर करना मतलब आपको वहां पे एडमिट करके आपकी केयर की जा रही है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएंगी। डायग्नोसिस बीमारी का पता लगाना, उसका इलाज करना, उसकी देखभाल करना। क्यों करते हैं ये, इलनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है, प्रेगनेंसी होती है, तो इन सब केसों में ये सारी चीजें करते हैं अपन। और वो भी कैसे करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम के द्वारा। अगर रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने ये चीजें की है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, तो ऐसे केस में तो जीएसटी हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। और अगर आपने रिकॉग्नाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं किया तो वो हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगा। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम कौन कौन से हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, इनके अलावा कोई अगर सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम वो रिकॉग्नाइज नहीं है, अगर उसके द्वारा अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तो ऐसे केस में हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगा। इसके साथ ही हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड किया जाता है पेशेंट्स को उनके घर से लाना और उनके घर तक छोड़ना। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल तक लेके आना, हॉस्पिटल से लेके जाना पेशेंट्स को, वो भी किस में आएगा, हेल्थ केयर सर्विस में आएगा। बट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता हेयर ट्रांसप्लांट को और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी को। मतलब अगर आपको अपनी शक्ल पसंद नहीं है, ठीक है, अगर आपको अपनी शक्ल पसंद नहीं है और आप अपनी शक्ल चेंज करवाना चाहते हो, तो वो हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगा। आपके बाल नहीं है, अगर आप बाल पैदा करवाना चाहते हो, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपका हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगा। बट हाँ, इसमें बोल दिया गया कि अगर आपकी शक्ल खराब हुई है किसी रीजन से, अगर आपको इलनेस, इंजरी वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर कोई ट्रोमा हो गया, उसकी वजह से आपके क्या हो गया कि शक्ल बिगड़ गई, उसके लिए अगर आपका सही करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप अपनी इच्छा से बिना बात के, आपको खुद का चेहरा वैसे ही पसंद नहीं आ रहा, आप शीशे में देख रहे हो और आप उसको सही करवाने जा रहे हो, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाने जा रहे हो, तो उसके केस में हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगा। बट आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी होगी जिसकी वजह से आपका चेहरा खराब हो गया, या फिर कोई आपके हेयर्स वगैरह खराब हो गए, तो ऐसे केस में अगर आप करवा रहे हो, तो वो हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएगा। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही उसमें कोई डिफेक्ट था, उसके डिफेक्ट था, उसके चेहरे पे यहाँ पे कट था पुराना, तो अगर उसको सही करने के लिए कोई उसका सर्जरी किया गया, हेयर ट्रांसप्लांट, सॉरी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी किया गया, तो ऐसे केस में वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके जरूरी था ये चीज करना, तो ऐसे केस में उसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एसिड अटैक हुआ, एसिड की वजह से चेहरा खराब हो गया, अब उसको अगर सही किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएगा। इसी के साथ जो IVF प्रेगनेंसी टेक्निक होती है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है हेल्थ केयर सर्विस में। तो हेल्थ केयर सर्विस समझा कि मतलब बीमारी का पता लगाना, उसका इलाज करना, उसकी केयर करना, ठीक है, रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय वेटरनरी क्लिनिक, जो मतलब एनिमल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह के जो हॉस्पिटल होते हैं, उनके डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तो ऐसे केस में वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विस अगर प्रोवाइड की गई है बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कौन हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकते हैं, लैब हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं, ये सब क्या होता है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर इन्होंने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, कौन सी, हेल्थ केयर सर्विस, अगर हेल्थ केयर सर्विस के अलावा है, तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं है। अगर मान लो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर
एग्जेम्पशन नहीं है, जीएसटी लग जाएगा। अगर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल लैब वगैरह, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर वगैरह, पैरामेडिक्स, ये नर्सेज वगैरह स्टाफ हो गया, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब बताओ, अब आप जब हॉस्पिटल में रहोगे तो आपको रूम भी दिया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, रूम दिया जाएगा, रूम का रेंट चार्ज किया जाएगा, तो वो भी आपका क्या है, हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर के साथ ही क्या है, लिंक है। तो हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर के साथ क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। बट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर रूम रेंट अगर 5000 रुपए से ऊपर होगा पर डे, रूम रेंट अगर 5000 रुपए से ऊपर होगा पर डे, तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा, फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा रूम रेंट पे। दूसरी बात, ये रूम रेंट अगर आईसीयू है, सीसीयू है, आईसीसीयू, एनआईसीयू है, मतलब कहने का मतलब जो क्रिटिकल केयर यूनिट होती है, जहां पे व्यक्ति बहुत बीमार होता है तब उसको रखा जाता है, बहुत क्रिटिकल होता है तब रखा जाता है, तो उसका रेंट भले ही 5000 रुपए से ऊपर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रूम में इतनी फैसिलिटी दी जाती है कि उनका रेंट ज्यादा हो सकता है, तो टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर नॉर्मल रूम का 5000 से ज्यादा चार्ज करो, तो इसका मतलब हॉस्पिटल नहीं भैया, आप तो होटल चला रहे हो, तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर कोई हेल्थ केयर सर्विस अगर इन्होंने प्रोवाइड किया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब उसके बाद अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट किया जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा, उसको लाने ले जाने के लिए, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब जैसे गवर्नमेंट की भी चलती है 108, 112, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। अब बट एम्बुलेंस वाला अगर पेशेंट के अलावा किसी और को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा, उसके ऊपर एग्जम्पशन नहीं है। उसके बाद देखो, अब होता क्या है, जो पैसा आप हॉस्पिटल को देते हो, मान लो हॉस्पिटल को आपने इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिया, अब वो हॉस्पिटल क्या करता है, कुछ पैसा तो खुद के पास रख लेता है, कुछ पैसा डॉक्टर्स को दे देता है, क्योंकि डॉक्टर्स उनके एज ए कंसल्टेंट भी काम करते हैं, एम्प्लॉई भी काम करते हैं। तो जो पैसा डॉक्टर को दिया या फिर जो पैसा हॉस्पिटल ने रखा, दोनों ही क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में दोनों ही क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। पैसा भले ही हॉस्पिटल के पास हो, डॉक्टर के पास हो, दोनों ही क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर कोई फूड सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, अगर कोई फूड सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, हॉस्पिटल में हो, एडमिट हो, जब कोई एडमिट होता है तो उसे बोलते हैं इन पेशेंट, और जब कोई एडमिट नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल दवाई लेने, एडवाइस लेने जाता है, तो उसे बोलते हैं आउट पेशेंट। तो अगर कोई इन पेशेंट है, मतलब एडमिट है, अगर उसको फूड प्रोवाइड किया गया हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल का खुद का फूड वाला है, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। बट अगर इन पेशेंट के अलावा, मतलब कोई ऐसे एडवाइस लेने आया, फिर इन पेशेंट के साथ आया है उसके साथ वाला, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मरीज है उसको तो फूड देना ही पड़ेगा, वो तो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी हेल्थ केयर सर्विस के साथ, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट अगर बाकी लोगों को दिया गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर मान लो हॉस्पिटल ने आउटसोर्स कर दिया किसी थर्ड पार्टी को फूड, आउटसोर्स कर दिया, वो कोई थर्ड पार्टी कैंटीन चलाती है हॉस्पिटल में, तो उसने किसी को भी सर्विसेज दिया, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये अपन ने कंप्लीट किया हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर, अब अपन बात करेंगे लीजिंग सर्विसेज एंड रेंटिंग सर्विसेज की। हाँ जी, तो लीजिंग सर्विसेज एंड रेंटिंग सर्विसेज क्या बोलता है कि अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंट पे दी गई है फॉर यूज एज अ रेजिडेंस एक्सेप्ट रेंटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा नया पॉइंट भी है, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। इसमें क्या आरसीएम भी लिंक होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी लिंक होगा, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ये मैं समझाना चाहता हूं। तो देखो, अगर आपने रेंट पे दिया है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, तो आपने दिया हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन को दिया हो सकता है, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होता है। तो इन्होंने बोला कि अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दिया है रेंट पे, किसके लिए, रेजिडेंस के लिए, रहने के लिए दिया है, ठीक है, और किसको दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। बट अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा किसी को दिया है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होना चाहिए, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर देखो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो हमेशा टैक्सेबल होगी, उसके केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में अगर आपने उसे दिया है यूज एज अ रेजिडेंस, आपने रहने के लिए दिया है, जो घर है आपने रहने के लिए दिया है, और किसको दिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में क्या मिल जाएगा, एग्जेम्प्शन मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर आपने वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रहने के लिए दिया है रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो ऐसे केस में वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। और हमने वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ा था कि अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जाती है किसको,
रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करेगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। तो आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। अब मान लो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हो आप फॉर यूज अदर देन रेजिडेंस, मतलब आप रहने के लिए नहीं, बिजनेस वगैरह के लिए दे रहे हो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ही दे रहे हो रेंट पे। कमर्शियल प्रॉपर्टी तो ऑलवेज टैक्सेबल है। अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंस के अलावा के लिए दे रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन को दो चाहे आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दो। क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशन दिया गया था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रेजिडेंस के लिए, अगर आप रहने के लिए दे रहे हो। अब यहां पे मान लो ये दे दिया रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया अदर देन रेजिडेंस के लिए। तो हमने बोला था आरसीएम में अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दोगे रेजिडेंस रजिस्टर्ड पर्सन को, वो चाहे किसी भी रीजन से दो, तो वो क्या हो जाएगा? आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। अगर आपने दिया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया आपने अदर देन रेजिडेंस के लिए, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा और जिसने रेंट पे दिया है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात समझता है। अब इसके साथ एक और क्लैरिफिकेशन इशू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने बोला कि अगर आपने ये रेंट पे दिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि है प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल बंदा जो अपना धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और उसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है, प्रोप्राइटर बिजनेस है, और उसको आपने रेंट पे दिया और वो क्या कर रहा है? वो जो घर यूज कर रहा है ना, वो अपने पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा है, वो उस प्रोप्राइटर फर्म के लिए नहीं कर रहा है, वो तो खुद के लिए कर रहा है। तो ऐसे केस में वो जब खुद के लिए कर रहा है, पर्सनल पर्पज के लिए, रहने के लिए वो यूज कर रहा है घर और उसने खुद के लिए रेंट पे लिया है, तो ऐसे केस में भले ही वो रजिस्टर है एज अ प्रोप्राइटर, तो भी उसे क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आपने दिया है रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि प्रोप्राइटर है किसी प्रोप्राइटरी कंसर्न का, और रेंट है पर्सनल कैपेसिटी में, उसने रेंट पे लिया है खुद के रेजिडेंस के लिए और खुद के लिए ही लिया है, प्रॉपर्टी कंसर्न के लिए नहीं लिया है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इवन वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है। ये बात समझती है। उसके बाद अगर कोई अपफ्रंट अमाउंट पे किया गया, आपने क्या किया, कोई पर्टिकुलर एरिया में आपने कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है, या फिर कोई ऐसा एरिया आपने लीज पे लिया है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, लॉन्ग टर्म लीज पे लिया है 30 साल से ज्यादा के लिए, ठीक है, आपने कोई ऐसा एरिया लिया जहां पे आप क्या करें बिल्डिंग वगैरह बनाओगे और वहां पे बैंक्स वगैरह को सेटअप करने के लिए, फाइनेंशियल बिजनेस को सेटअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करोगे, तो ऐसे प्लॉट या इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर आपने लीज पे लिए हैं मोर देन 30 इयर्स के लिए और उसके लिए आपने कोई अमाउंट पे किया है, अब ये किससे लिया है आपने? स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हर स्टेट के ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे राजस्थान में एक रिको है, ठीक है, रिको से लिया आपने, या फिर अदर एंटिटी जिसमें 20% से ज्यादा का ओनरशिप किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का है, 20% या 20% से ज्यादा का, और किसको प्रोवाइड किया गया है, कोई इंडिविजुअल यूनिट है जो वहां पे इंडस्ट्री लगाना चाहती है, या फिर कोई डेवलपर है जो एक तैयार करना चाहता है पार्क जिसमें कि उसने बिल्डिंग वगैरह बनाएगा और फाइनेंशियल बिजनेस वाले आके वहां पे अपना काम कर सकते हैं, तो ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है उसके लिए बिल्डिंग रेंट पे दी गई है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो 30 साल से ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म लीज होनी चाहिए और किससे लिया है, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर अदर एंटिटी हैविंग 20% से ज्यादा ओनरशिप बाय गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये अपना रेंटिंग और लीजिंग वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज की, अच्छा गवर्नमेंट सर्विसेज की जब अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन समझेंगे गवर्नमेंट होता क्या है, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट करते रहता है, गवर्नमेंट है क्या, तो गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट बोला जाता है, गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही है अपने ऑफिसर्स के थ्रू या डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जैसे गवर्नमेंट का ऑफिस है इंडियन पोस्ट, गवर्नमेंट का ऑफिस है सेंट्रल, जो रेलवे है, रेलवे का ऑफिस किसका है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके थ्रू काम करती है, या गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं ये सारे भी क्या हो गए, गवर्नमेंट कहलाएंगे, ये सब भी गवर्नमेंट कहलाएंगे, बट जो गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी होंगी उनको गवर्नमेंट नहीं बोला जाएगा। अब गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है कोई सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट के एक्ट से सेटअप किया गया, गवर्नमेंट को अगर पार्लियामेंट के एक्ट से कोई सेटअप किया गया, जैसे आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, अब इनको किससे किया गया, पार्लियामेंट के एक्ट से, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया और उसको सेटअप कर दिया, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसको एस्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने विद मोर देन 90% पार्टिसिपेशन, तो ऐसी एंटिटी जिसको 90% से ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका, गवर्नमेंट का था जब उसको इनकॉर्पोरेट किया था, तो ऐसी एंटिटी को भी क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी। तो अगर ये लोग हैं इन लोगों को गवर्नमेंट नहीं बोला जाएगा, कहने का मतलब जो आईसीआई, आईसीएमआई, आईसीएसआई, आरबीआई, सेबी, आईडा, एफएसएसएआई, एफसीआई, ये सारे क्या है, ये सारे एक एंटिटी है जिनको पार्लियामेंट में लॉ पास करके क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है,
तो ऐसे केस में ये क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी है, बट इनको गवर्नमेंट नहीं बोला जा सकता। जब मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आईसीआई आईसीआई दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट है, उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी एंटिटी नहीं आती है। तो ऐसे केस में आईसीआईसीआई, आरबीआई, सेबी वगैरह ये सब नहीं आएगा गवर्नमेंट की डेफिनेशन में, ठीक है। उसके बाद जब मैं लोकल अथॉरिटी की बात करता हूं, तो लोकल अथॉरिटी में लोकल लेवल की सारी गवर्नमेंट आती है। आप पार्षद वगैरह चुन के भेजते हो, जो मतलब म्यूनिसिपलिटी है, पंचायत है, जिला परिषद है, नगर निगम है, कंटेनमेंट बोर्ड है, रीजनल बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड है, ये सारे किसमें आ जाएंगे, लोकल अथॉरिटी में आ जाएंगे। बस एक चीज नहीं आएगी, जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना, उसको लोकल अथॉरिटी में काउंट नहीं करते। डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे जयपुर के डेवलपमेंट के लिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है तो उसको लोकल अथॉरिटी में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये अपने पहले डेफिनेशन पढ़ ली, पहले अपने समझ लिया गवर्नमेंट क्या होता है, फिर अपने समझे गवर्नमेंट एजेंसी अथॉरिटी क्या होती है, फिर अपने समझा कि यार लोकल अथॉरिटी क्या होता है, ये सब बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट होंगी अगर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। तो यहां पे मैं जब गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज, जहां पे सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट है। तो जब मैं सीजी वर्ड यूज करूंगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी वर्ड यूज करूंगा स्टेट गवर्नमेंट, यूटी वर्ड यूज करूंगा यूनियन टेरिटरी, एलए वर्ड यूज करूंगा लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत और म्यूनिसिपलिटी, जो काम पंचायत और म्यूनिसिपलिटी को दिया गया था, कौन कौन सा पंचायत को म्यूनिसिपलिटी को काम दिया गया था कि भैया रोडें साफ करवानी है, रोडों की जो लाइटें वगैरह हैं उसको मेंटेन करवाना है, जो पब्लिक प्लेसेस है उनकी मेंटेनेंस करवानी है, तो मतलब ये सारा काम किसका है, ये पंचायत और म्यूनिसिपलिटी का है। उसके लिए अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई सर्विसेज, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं, बहुत इजीली समझ आएगा। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तो यहां पे आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की नॉलेज भी यहां पे मर्ज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हमने बोला कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने, कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। इंडियन पोस्ट अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, भले इंश्योरेंस की करता हो, चाहे पोस्ट वगैरह भेजने की करता हो, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की, ठीक है, जो इंडियन रेलवे काम कर रही है, या फिर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के जो बसेस चलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विसेज, और एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, अगर ये तीन सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, तो ऐसे केस में ये हमेशा क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और गवर्नमेंट ही इस पर टैक्स पे करेगी, इसमें रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तीन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, एयरक्राफ्ट एंड वेसल रिलेटेड सर्विसेज, अगर ये सर्विसेज हैं तो ये हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी अगर प्रोवाइड की है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने। और एक बात, सारी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी, बट एक एग्जेम्पशन दिया गया इसमें कि भैया अगर आपने कोई ऑर्डिनरी पोस्ट भेजा है पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू, अगर उसका वेट 10 ग्राम है, 10 ग्राम से कम है, अप टू नहीं है, 10 ग्राम से अगर कम है, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी अगर उसके अलावा कोई भी सर्विसेज, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर, एयरक्राफ्ट, वेसल रिलेटेड सर्विसेज है, तो हमेशा क्या होगी, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब अगर इन तीन सर्विसेज के अलावा अगर कोई सर्विसेज दी गई है, तो ऐसे केस में अगर वो सर्विसेज दी गई है किसी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी के अलावा अगर किसी को सर्विसेज दी गई है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हमने आरसीएम में पढ़ा था कि अगर ये तीन सर्विसेज के अलावा गवर्नमेंट अगर किसी को सर्विसेज देती है बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी पे करेगी। बट अगर बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को देती है, तो भैया उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट खुद टैक्स पे नहीं करना चाहती थी, तो गवर्नमेंट बोली कि बिजनेस एंटिटी के अलावा अगर किसी को दिया गया है, तो ऐसे केस में उसे क्या कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी ने अगर इन तीन सर्विसेज के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दी है, तो ऐसे केस में वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आपस में अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बट अगर ये तीन सर्विसेज हैं तो वो हमेशा टैक्सेबल होगी। उसके बाद अगर इन तीन सर्विसेज के अलावा अगर कोई सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी गई है, तो हम चेक करेंगे कि बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल में क्या रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है उससे बियॉन्ड था, मतलब पिछले साल अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा था, तो ऐसे केस में, या फिर 10 लाख जो भी एप्लीकेबल लिमिट है, अगर उससे ज्यादा था
20 लाख या 10 लाख से ज्यादा था, तो ऐसे केस में हम चेक करेंगे क्या कंसिडरेशन 5000 रुपए तक है। अगर 5000 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने 5000 रुपए तक कोई चार्ज किया है किसी सर्विसेज के लिए तो वो एग्जेम्प्ट है, और अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो 5000 रुपए पर ईयर अगर चार्ज किया गया, उससे कम चार्ज किया गया है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर कंसिडरेशन 5000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड की गई उन तीन सर्विसेज के अलावा जिसका टर्नओवर पिछले साल में रजिस्ट्रेशन की लिमिट से ज्यादा है, पिछले साल में टर्नओवर की लिमिट से ज्यादा है, तो ऐसे केस में अगर कंसिडरेशन भी 5000 रुपए से ज्यादा है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स लग जाएगा उस बिजनेस एंटिटी के ऊपर। बट हां, अगर उस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल में 20 लाख या 10 लाख जो भी जो लिमिट है उससे कम या फिर उसके बराबर है, वहां तक है, तो ऐसे केस में जो सर्विसेज है वो क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी सिर्फ एक सर्विस को छोड़ के। कौन सी? रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, भले ही बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख से कम हो, अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ा था कि जो रजिस्टर्ड एंटिटी को अगर रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड एंटिटी पे करेगी अंडर आरसीएम। तो पिछले साल का टर्नओवर यहां पे मैटर नहीं करेगा अगर रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये समझा अपने को चार्ट। इस चार्ट से मैंने तीन चार्ट आपकी जो एग्जेम्पशन है वो भी कवर कर दी, और जो आरसीएम का जो पॉइंट था वो भी आपको कवर कर दिया। तो ये एक आप अच्छे से देख लेना कि भाई अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला सारा मैंने ये वाला पूरा इसमें कवर कर दिया, ये भी मैंने आपको पूरा कवर कर दिया वो नीचे वाले चार्ट में। ठीक है, अब उसके अलावा अगर सर्विसेज प्रोवाइड की है गवर्नमेंट एंटिटी ने किसको, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, या फिर उसके द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन को, जहां पे कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तो ऐसे केस में टैक्स नहीं लगेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने अपनी पीएसयूज को अगर कोई लोन की गारंटी दिया है, पीएसयू को लोन लेना था, वो बैंक के पास गए कि भैया लोन दे दो, तो बैंक ने बोला हमें गारंटी चाहिए, तो गारंटी लेने गई है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने इन्हें गारंटी दे दी। अब गारंटी दे दी तो ऐसे केस में वो गारंटी के लिए उन्होंने कुछ कमीशन चार्ज किया होगा, तो वो जो कमीशन चार्ज किया गया है तो उस कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट कुछ ओल्ड एज होम भी चलाते हैं, तो अगर कोई ओल्ड एज होम की सर्विसेज दे रहा है, कोई ओल्ड एज होम चला रहा है जहां पे बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है जिनके परिवार वाले उन्हें छोड़ देते हैं, 60 ईयर से ज्यादा के लोग हैं एंड उनसे पैसा चार्ज किया जा रहा है 25000 रुपए पर मंथ तक का, मतलब ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है जहां पे 60 ईयर से ज्यादा के लोग रहते हैं एंड 25000 रुपए तक पर मंथ का क्या है, आपसे अमाउंट चार्ज किया जा रहा है फॉर ओल्ड एज होम का, और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ट्रस्ट के द्वारा जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA, 12AB, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना अगर 25000 रुपए से ऊपर हो जाएगा तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद अगर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल क्या होते हैं, जो अपनी बातें करके थेरेपी काउंसलिंग के थ्रू आपको क्या करते हैं, रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, जो आपके माइंड पे या फिर जो आपके ऐसा कुछ शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, वो हेल्थ केयर तो नहीं होते, वो डॉक्टर तो नहीं होते, बट रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल होते हैं जो आपसे बात करके थेरेपी काउंसलिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, आपको उससे दूर लेके जाते हैं। तो अगर कोई रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है कहां पे, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, या फिर कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या ट्रस्ट के द्वारा, तो ऐसे केस में उनकी सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो एक नशा मुक्ति केंद्र खोला गया जहां पे मान लो अगर कोई नशे वगैरह करता था व्यक्ति तो उसे नशा छुड़वाया जाता है, तो वहां पे कोई रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल है कि भाई नशा छोड़ेगा तो उसको सपोर्ट चाहिएगा, तो हमने रिहैबिलिटेशन पर्सनल अपॉइंट कर दिया, और वो नशा मुक्ति केंद्र कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। तो जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल वो सेंटर में जो सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी अगर सर्विसेज दे रही है बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, मान लो मैं एमसीए में मैं कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाने गया तो उसकी अगर कोई फीस पे किया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, चेक, लाइसेंसेस वगैरह जो है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बाय इश्यू ऑफ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह इशू करती है अगेंस्ट एनी अमाउंट चार्ज फॉर इट, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे ही अगर कोई आपकी पेनल्टी या लिक्विडेटेड डैमेज वसूल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर किसी फार्मर को नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स असाइन किए गए, मतलब कोई जमीन पड़ी थी गवर्नमेंट के पास, वो उन्होंने उठा के फार्मर को दे दी,
रेंट पे, या फिर कोई पानी का राइट दे दिया, तो ऐसे केस में जो राइट्स दिए गए उसके बदले में अगर कुछ पैसा चार्ज किया गया है तो उसके केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट हॉर्सेस, हॉर्सेस के लिए दिया है तो वो जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने अगर मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस के अगेंस्ट, मतलब अदर देन ऑफिस आवर्स या फिर हॉलीडे पे भी अगर आपका कार्गो क्लियर किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो जैसे सामान आता है आपका पोर्ट पे, तो पोर्ट से अगर माल क्लियर करवाना है तो आप ऑफिस आवर्स के दौरान करा सकते हो, बट आपको नहीं, आपको अर्जेंट है, आपको अभी करवाना है, ऑफिस आवर्स नहीं है तब भी करवाना है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सर्विसेज बट उसके लिए ओवरटाइम चार्ज करती है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको चार्ट में कवर कर दिया। अगर कोई ऑर्डिनरी पोस्ट है, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर या बुक पोस्ट है, ऑर्डिनरी पोस्ट है, अगर उसका 10 ग्राम से कम का वेट है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद अगर कोई सर्विसेज दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसको, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्टर कॉन्ट्रैक्टर को। अब एक्सेस रॉयल्टी कलेक्टर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि जैसे जो माइनिंग कर रहे हैं लोग, उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जो उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करेगा, तो इस सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी बात, बट अगर जितना एग्जेम्प्ट किया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर 20 करोड़ तक जीएसटी क्लियर, 20 करोड़ तक जीएसटी कलेक्ट होगा तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो अगर 20 करोड़ तक अगर जीएसटी कलेक्ट नहीं हुआ, एग्जेम्प्टेड अमाउंट से कम हुआ, मान लो 20 करोड़ की जगह जीएसटी जो कलेक्ट हुआ वो 18 करोड़ ही हुआ, तो ऐसे केस में जितना कम अमाउंट जीएसटी हुआ है ना, उतना जीएसटी किसको पे करना पड़ेगा, ईआरसीसी को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये समझ आता है। तो ये हमने कंप्लीट किया जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं। अब इसमें एक बता देता हूं कि जैसे पुलिस और सिक्योरिटी की एजेंसी की सर्विसेज होती है, अब आप बोलोगे कि सर गवर्नमेंट और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम तो सारी एग्जेम्प्ट कर दी, तो देखो आपने कोई रॉयल्टी की बात करी, ठीक है, या फिर कोई पुलिस और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, मान लो अंबानी को पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसके लिए अंबानी पे करता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसी पीएसयू को या किसी बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी या पीएसयू पे करेगी, टैक्सेबल अंडर आरसीएम हो जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी। अब हम बात करेंगे ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है, जहां पे जो रेसिपिएंट है वो कौन है, गवर्नमेंट है, रिसीव करने वाला कौन है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ने अगर सर्विसेज रिसीव की है एज अ प्योर सर्विस 100% लेबर और कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स का वैल्यू 25% तक है मैक्सिमम, तो मतलब अगर कोई सर्विसेज गवर्नमेंट को दी गई हैं जो प्योरली सर्विसेज नेचर में है जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, या फिर कंपोजिट सप्लाई जहां पे कि 25% से ज्यादा गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है रिलेटेड टू पंचायत म्युनिसिपैलिटी के काम से रिलेटेड, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर जैसे फेयर प्राइस शॉप होती है, आपने देखा होगा मोहल्लों में क्या होता है, एक फेयर प्राइस शॉप होती है जहां पे गवर्नमेंट राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, राशन भिजवाती है, वहां से जो राशन कार्ड के ऊपर 1 रुपए 2 रुपए पर केजी के हिसाब से राशन दे दिया जाता है, तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है जो फेयर, उसे बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, जहां से वो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो भी गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बदले में वो क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है, तो वो जो कमीशन चार्ज किया गया उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो लोगों को पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है खाना, उसे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसके अंडर अगर किसी फेयर प्राइस शॉप ने कोई कमीशन वगैरह चार्ज किया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अगर कोई इंश्योरेंस सर्विसेज दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को, जहां पे प्रीमियम किसने पे किया है, गवर्नमेंट ने पे किया है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अगर कोई ट्रेनिंग सर्विसेज दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को या फिर किसी नॉमिनेटेड पर्सन को, जहां पे 75% या 75% से ज्यादा का जो एक्सपेंस है वो किसने बोर्न किया है, गवर्नमेंट ने बोर्न किया है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब यहां पे देखो, हो सकता है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा हो, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा हो, तो ध्यान रखना प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं आता, तो इसके लिए उसे एजुकेशन सेक्टर में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिला। बट अगर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट किसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को, जहां पे 75% से ज्यादा एक्सपेंस कौन बोर्न कर रहा है, 75% या 75% से ज्यादा गवर्नमेंट बोर्न कर रही है, तो ऐसे केस में यहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा भले ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना हो। ये अपने बात करी गवर्नमेंट सेक्टर से सारे रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बोला गया कि अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रहे हैं, हम चिनाई का काम करवा रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं, तो जहां पे सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी किसके अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई जहां पे जो गरीब लोग थे उनको पैसा दिया गया कि भाई तुम अपना घर बनवा लो ताकि सबको घर मिल जाए, उसे बोलते हैं हाउस फॉर ऑल मिशन। ठीक है, तो उसके लिए लोगों को पैसा दिया, लोगों ने उस पैसे से अगर कोई सर्विसेज ली है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की घर बनवाने के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर मान लो
आप नॉर्मल इंसान हो, आप पैसा कमाते हो, आप अपना घर बनवा रहे हो, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट जो कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, एक तो होती है मान लो बिल्डिंग पूरी, अब बिल्डिंग में आपके 10 फ्लैट है, 10 में से एक फ्लैट आप बनवा रहे हो, तो ये तो हो गया पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आपका एक घर है, इस पे एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आप अपना एक घर बनवा रहे हो इंडिविजुअल अलग से, उसमें अगर आपने कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब आप घर बनवा रहे हो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट भी नहीं, रेजिडेंशियल यूनिट अगर आप बनवा रहे हो तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात, जो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट आप बनवाओगे उसमें रिपेयरिंग अलाउड नहीं है, आपको कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमिश्निंग ऑफ ओरिजिनल वर्क अलाउड है, आप बनवाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पुराना रिपेयर करवा रहे हो तो वो उसका कोई काम अलाउड नहीं होगा, उसके केस में जीएसटी लग जाएगा। पर हाउस फॉर ऑल मिशन में रिपेयरिंग भी करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद जो किसान होते हैं, किसान का ट्यूबवेल होता है वो बिजली से चलता है, अब किसान के खेत में ट्यूबवेल है और वहां तक बिजली लेके आना पड़ेगा तो उसके लिए खंभे लगाने पड़ेंगे, तारें बिछानी पड़ेगी, तभी तो बिजली आएगी ट्यूबवेल तक। तो ऐसा काम करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी होती है, उन्होंने अगर कोई कंस्ट्रक्शन इरेक्शन या कमिश्निंग किया है इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के लिए, मतलब खंभे लगाए हैं, तारे लगाई हैं, वो सब काम किया है, उसके बदले में कुछ पैसा चार्ज किया है, सर्विसेज दी है, तो ऐसे केस में जो फार्मर के ट्यूबवेल तक अगर लेके जा रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कोई आपने कोई जमीन को लीज पे दिया है, आपने डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए हैं, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या फिर लॉन्ग टर्म लीज पे अगर आपने कोई जमीन दी है डेवलपर को ताकि वो यहां पे आके घर बना सके, वो इस जमीन पे आके घर बना सके, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जो आपने लीज वगैरह जो आपने दिया है उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिला होगा लीज वगैरह का, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर फ्लैट सेल कर दिए गए बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले अगर फ्लैट सेल कर दिए तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद बात करेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की। देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय रोड, पहले बात करेंगे बाय रोड की, बाय रोड अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की, और वो भी किसके थ्रू, बस के थ्रू, अगर एसी बस है तो हमेशा टैक्सेबल होगा, एसी बस है तो हमेशा टैक्सेबल होगा। और अगर नॉन एसी है और नॉन एसी बस है तो ऐसे केस में देखा जाएगा क्या वो स्टेज कैरीज है। स्टेज कैरीज मतलब ऐसी बसेस जिनका रुकना कहां पे रुकेगी वो भी फिक्स है और जो रूट है वो भी फिक्स है। अब उसमें बैठा हुआ पैसेंजर उसका रूट चेंज नहीं करवा सकता, कहने का मतलब ये उसका रूट और उसका जो स्टॉपेज है जहां जहां रुकेगी वो फिक्स है, अब वहां से चढ़ो वहां से उतरो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नॉर्मल बसेस चलती है सिटी बसेस वगैरह इनको बोलते हैं स्टेज कैरीज, अगर वो नॉन एसी है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पर अगर नॉन एसी बस है कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, मतलब मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है मैंने टूरिज्म या फिर हायर पर्पज से, तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को एक महीने के 1,00,000 रुपए दूंगा, तू मेरे को तेरी नॉन एसी बस दे दे, अब उसको कैसे चलाना है, कहां लेके जाना है, कहां नहीं लेके जाना, वो मेरी मर्जी। तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बट मैंने बस वाले को बोला कि भैया तेरे को 1,00,000 रुपए दूंगा, तेरे को क्या करना है कि इस जगह से लेके इस जगह तक तुझे मेरे एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्ट करना है या फिर किन लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है। अब उसके जो स्टॉपेज है वो फिक्स है, रूट फिक्स है, टाइम भी फिक्स है। अब मैं इसमें चेंज नहीं करवा सकता, मैंने जो बोला वही वो सामने वाला करेगा, उसके बाद चेंज नहीं करेगा, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो बस को छोड़ दें, बस हो गया, अब उसके बाद मीटर कैब रिक्शा या फिर ई रिक्शा है, मीटर कैब है या फिर रिक्शा है या फिर ई रिक्शा है, तो ऐसे केस में वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। बट अगर उसने सर्विसेज प्रोवाइड की है ईसीओ के थ्रू, मान लो कोई रिक्शा चलाता है, अगर नॉर्मल रिक्शा चलाता है उसकी सर्विसेज दी है तो वो एग्जेम्प्ट है। बट वही रिक्शा अगर वो ऊबर के थ्रू चलाता है या फिर वो ओला के थ्रू चलाता है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ईसीओ के थ्रू अगर टैक्सेबल हो जाएगा। और ई रिक्शा, मीटर कैब, ई रिक्शा और बस के अलावा अगर कोई मोटर व्हीकल है उससे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सर्विसेज दी है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की अदर देन रोड से, रोड के अलावा अगर दिए जाए तो क्या क्या हो सकता है, रेलवेज के थ्रू हो सकता है। तो रेलवेज के थ्रू बोला कि अगर एसी कोच के थ्रू दिया गया है या फर्स्ट क्लास के थ्रू दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आपने अदर देन एसी कोच फर्स्ट कोच के थ्रू ट्रेवल किया है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अब देखो मेट्रो, मोनोरेल, ट्रांसवे ये भी तो एसी कोच होते हैं बट इनको क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रांसवे को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। नॉर्मल रेल में अगर एसी कोच फर्स्ट क्लास है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अदर देन है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वाटरवेज की बात करें तो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, जो अंदर की जो नदियां होती हैं, नदियों के थ्रू अगर आपको रूट कर रहे हो, वाटरवेज ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने हरिद्वार से ऋषिकेश भेजा माल किसके थ्रू, गंगा नदी में,
बोट के थ्रू, तो वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। और अगर मैंने वेसल के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट किया है, वेसल के थ्रू अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किया है, वो टूरिज्म पर्पस से है। वेसल कौन सी होती है? जो समुद्र में चलती है। तो अगर टूरिज्म पर्पस से है तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर एयरवेज के थ्रू ट्रेवल किया है, एयरवेज के थ्रू अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी है, तो वो हमेशा टैक्सेबल होगी, सिर्फ एक दो केस को छोड़ के। क्या एक दो केस? जब पैसेंजर एम्बार्क होंगे या टर्मिनेट करेंगे, मतलब जहां से जर्नी स्टार्ट करेंगे या फिर जर्नी जहां पे समाप्त करेंगे, वो कहां पे है? स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा, वेस्ट बंगाल। तो सात तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और बागडोगरा जो वेस्ट बंगाल में है, अगर उस पर ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं या फिर वहां से आ रहे हैं, तो ऐसे केस में इकोनॉमी क्लास में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स खुलवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम रखी थी कि भाई छोटे छोटे शहरों में लोग ज्यादा टिकट पे नहीं करेंगे, तो एयरपोर्ट खुल नहीं रहे थे। तो बट अब अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट खुल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे 5,000 रुपए की टिकट है, तो 5,000 की टिकट में से हम 3 साल तक क्या करेंगे, इसमें से 2,000 रुपए गवर्नमेंट दे देगी और 3,000 रुपए आप क्या करना, पैसेंजर से ले लेना। तो जो 2,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर वायबिलिटी गैप फंडिंग में जो लोगों के एयरवेज के टिकट का पैसा गवर्नमेंट दे रही है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा 3 साल तक, ठीक है, जब से स्टार्ट किया है। उसके बाद अगर आपने जो बसेस वगैरह हैं वो हायर पे दे दी, बसेस वगैरह हैं वो आपने हायर पे दे दी किसको? अब आपने क्या किया, मान लो एक बंदा है राम करके, ठीक है, उसने क्या किया, एक बस खरीदी, बस परचेज करी और वो बस हायर पे दे दी किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। यहां पे लिखा है अ मोटर व्हीकल विच कैरीज मोर देन 12 पैसेंजर। तो मान लो ट्रेवलर है, उसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर की सीटिंग है, तो ऐसे केस में वो भी क्या हो जाएगी, यहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपने जो ये बस को रेंट पे दिया है किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग कौन सी होती है? जैसे राजस्थान रोडवेज, पंजाब रोडवेज, बेस्ट, है ना, ये सारे की जो बसेस वगैरह चलती हैं, अगर इन्होंने इन बसेस को रेंट पे लिया है किसी से, ठीक है, तो हायरिंग पे लिया है, रेंट पे लिया है, जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो उस रेंट और हायरिंग पे टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है और वो 12 से ज्यादा पैसेंजर कैरी करता है, अगर आपने किसी लोकल अथॉरिटी को रेंट पे दिया है, तो उस रेंट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपने कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ट्रक वगैरह खरीदा और आपने वो रेंट पे दे दिया किसको? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। तो ऐसे केस में भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा रेंट पे। अगर कोई बंदा है जो स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करता है, अब स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करता है, स्कूल के स्टाफ को ट्रांसपोर्ट करता है, स्कूल की फैकल्टी को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको आपने अगर रेंट पे दे दिया व्हीकल, मान लो बस चाहिए थी, बस उसको आपने रेंट पे दे दी, आपने परचेज की हुई थी, आपने उसको रेंट पे दे दी, उसके बदले में वो आपको रेंट पे कर रहा है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर मोटर व्हीकल रेंट पे दिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू पर्सन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप टू 12th स्कूल तक का होना चाहिए। तो ये हमने बात करी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की। देखो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया है थ्रू रोड, ठीक है, तो अगर रोड के थ्रू आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है तो वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, एक्सेप्ट अगर आपने गुड्स किसके थ्रू भेजा है, जीटीए के थ्रू या फिर कोरियर एजेंसी के थ्रू। तो अगर आपने गुड्स जीटीए या फिर कोरियर एजेंसी के थ्रू भेजा है तो जीएसटी लग जाएगा। अगर जीटीए या कोरियर एजेंसी के अलावा आपने रोड के थ्रू भेजा है तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अब मान लो कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो अपना ट्रक चलाता है या फिर अपना टेम्पो चलाता है या फिर अपना कोई बैलगाड़ी गाड़ी चलाता है, अब वो अगर जीटीए नहीं है, जीटीए कौन होता है? जीटीए वो होता है जो आपको कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। अब मान लो वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता, वो तो अपना एक अलग से ट्रक वगैरह चलाता है, तो ऐसे केस में अगर उसने ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की सर्विसेज दी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर अगर वो जीटीए है, अगर कोरियर एजेंसी है, तो उसके केस में जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन गुड्स किया, मतलब आपने ऋषिकेश से आपने मान लो हरिद्वार सामान भेजा, ठीक है, वाटरवेज के थ्रू, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, मतलब नदी के थ्रू, गंगा के थ्रू, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद तो इसका मतलब रेलवेज के थ्रू अगर आपको ट्रांसपोर्ट करोगे, वेसल के थ्रू अगर आपको ट्रांसपोर्ट करोगे, या फिर एयरवेज के थ्रू अगर आपको ट्रांसफर करोगे, या फिर जीटीए के थ्रू, या फिर कुरियर एजेंसी के थ्रू, तो आपका क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। बट उसके थ्रू भी, अब उसमें बोल दिया गया कि अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो रेलवेज के थ्रू, वेसल के थ्रू, जीटीए के थ्रू, यहां पे एयरवेज कवर नहीं होता, एयरवेज के थ्रू करोगे तो टैक्सेबल रहेगा, बट अगर रेलवेज, वेसल और जीटीए के थ्रू अगर आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, और कौन से गुड्स हैं? रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल मेड डिजास्टर। कहीं पे मान लो कोई त्रासदी हो गई, उत्तराखंड में ये भूकंप आ गया है, उत्तराखंड में कोई त्रासदी हो गई, वहां पे आपने माल भेजा कोई रिलीफ मटेरियल लोगों के भले के लिए, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट,
अगर आपने को ट्रांसपोर्ट किया है तो भैया देखो देश की सेवा के लिए, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर या मैगजीन ट्रांसफर किया है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट की है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब अगर दूध, मिल्क, सॉल्ट, नमक या फिर फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में क्या आएगा, फ्लोर, आटा, राइस, पल्सेस, दालें और चावल, तो अगर ये ट्रांसपोर्ट किया है तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब खाद, खाद भी अगर आपने किया है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन सब सामान का अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप रेलवेज, वैसल और जीटीए के थ्रू, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट हाँ, इन सामान का अगर आपने एयरवेज के थ्रू किया ट्रांसपोर्ट तो जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद अगर जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड की है, अगर जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड की है किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को, हमने बात किया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि अगर उन आठ लोगों को, आठ लोग बहुत सारे थे, उसमें फैक्ट्री थी, पार्टनरशिप फर्म थी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था, रजिस्टर्ड पर्सन था, सबको कवर कर लिया था, तो हमने बोला था कि इसमें अगर जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑफ नहीं किया तो रिवर्स चार्ज में किसे पे करना पड़ेगा, उन लोगों को पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर उनके अलावा कोई व्यक्ति है, उनके अलावा कोई व्यक्ति है, कौन है वो उनके अलावा, सिर्फ क्या बचा, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन। तो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन को अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है बाय वे ऑफ बाय जीटीए, तो ऐसे केस में वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अगर जीटीए ने सर्विसेज की गई है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, किसको, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि रजिस्टर है ओनली फॉर द टीडीएस अंडर सेक्शन 51, तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर किसी गुड्स कैरिज के ऊपर आपने दिखा होगा कि ऑल इंडिया परमिट लिखा होता है, तो वो परमिट उनको दिया जाता है कि आप पूरे इंडिया में वो गाड़ी चला सकते हो। तो जो नेशनल परमिट इशू किया गया है गुड्स कैरिज के लिए, ठीक है, तो वो परमिट जब दिया जाता है उसके बदले में कोई फीस चार्ज की जाती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर नेपाल भूटान, नेपाल भूटान का ट्रांजिट कार्गो, ट्रांजिट कार्गो मतलब ऐसा सामान जो कि किसी दूसरे देश में भेजा जा रहा है, तो जो ट्रांजिट कार्गो है जो नेपाल भूटान भेजा जा रहा है, ठीक है, उसके रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज है, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अब मान लो सामान आपने डिलीवर कर दिया नेपाल भूटान, वहां से अगर आप खाली डिब्बे भी लेके आ रहे हो, खाली जो कंटेनर है वो भी लेके आ रहे हो, तो वो भी सर्विस एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपने रोड और ब्रिज की एक्सेस दी जाती है किसके बदले में, टोल चार्जेस के बदले में, अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं होता तो आपसे डबल टोल चार्ज किया जाता है, ठीक है। अगर आपने मान लो व्हीकल में ज्यादा भर लिया वेट, तो उसका भी आपसे चार्ज वसूल किया जाता है। तो ये सारे चार्जेस के बदले में जो आपको रोड की एक्सेस दी जा रही है, ब्रिज की एक्सेस दी जा रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया है आउट ऑफ इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लाने के लिए, कहां, किसके थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ, वेसल के थ्रू लाओगे तो लग जाएगा, एयरक्राफ्ट के थ्रू नहीं लगेगा। और इंडिया से आउटसाइड इंडिया लेके जाओगे तो भी लग जाएगा, चाहे एयरक्राफ्ट से लेके जाओ, चाहे वेसल के थ्रू लेके जाओ। तो कहने का मतलब, अब जब यहां पे मैंने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज की, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज क्या होती है, मैंने गुड्स सामने वाले को दे दिया, मैंने बोला कि भैया गुड्स वहां पहुंचाना है, वो पहुंचा देगा, उसके बदले मेरे से कंसीडरेशन लेगा। अब वो कैसे पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अब एक क्या किया, मैंने ट्रक हायर पे ले लिया, मैंने उसे बोला कि भैया तू मुझे ट्रक हायर पे दे दे, अब इसको कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना वो मेरी मर्जी। अब मैंने ट्रक हायर पे ले लिया, उसके थ्रू मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने यहां पे जो सर्विसेज ली है वो हायरिंग ऑफ ट्रक की ली है, ना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। अगर मैंने हायरिंग ऑफ ट्रक की सर्विसेज ली है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, वो यहां पे एग्जेम्पशन नहीं है। तो हायरिंग ऑफ ट्रक की मतलब किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने किसी व्हीकल को हायर पे ले लिया, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। ये सारे जो आपके हैं वो इसमें कवर हो गए, मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। अब बात करेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करेंगे। देखो, कोई बैंक और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मतलब बैंक्स ने अगर कोई आपको लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है, डिपॉजिट दिया है, उसके बदले में कोई इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, या फिर आपने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट किया है, उसके बदले में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, डिस्काउंट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा। एक्सेप्ट अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट में करने में डिले हो जाते हो, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अदर देन दैट कोई इंटरेस्ट और डिस्काउंट है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई फॉरेन करेंसी सेल परचेज की जा रही है अमंगस्ट बैंक डीलर ऑफ फॉरेक्स एंड बैंक डीलर, मतलब HDFC बैंक ने ICICI बैंक से कन्वर्ट कराया, HDFC बैंक ने किसी फॉरेक्स डीलर से कन्वर्ट कराया, किसी फॉरेक्स डीलर ने ICICI बैंक से करवाया, तो आपस में ही अगर फॉरेक्स का कन्वर्जन करवा रहे हैं ये बैंक और फॉरेक्स डीलर्स, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना में बहुत सारे अकाउंट खोले गए थे गरीब लोगों के, तो उनके रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी गई है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन करता है और 2000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन है, उसके लिए क्या है, बैंक प्रोसेसिंग फीस अगर चार्ज करता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो ट्रांजेक्शन 2000 रुपए से ऊपर की है,
उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है बैंक, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अगर कोई इंटरमीडिएट लोकेटेड इन आईएफएससी, आईएफएससी इंटरनेट फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है, जहां पे इंटरमीडिएट अगर कोई लोकेटेड है, अगर उसने आउटसाइड इंडिया वाले कस्टमर को कोई सर्विसेज दी है रिलेटेड टू फॉरेक्स, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। स्पेशल केस, आपका कोई इंटरेस्ट अंडर फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज का जो इंटरेस्ट होता है, फाइनेंस लीज पे अगर आपने कोई एसेट दी है तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्योरली लोन नेचर में नहीं है। वहां पे क्या कर रहे हो, आप एसेट खरीद रहे हो और उसको लीज पे दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक तरह से लोन नेचर में नहीं है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अब लोन के कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, लोन हो सकता है, अदर डिपॉजिट हो सकता है, मॉर्गेज लोन हो सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकती है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो सकता है। मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए का इनवॉइस था, मेरे को 2 महीने बाद पैसा मिलना था, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से 95,000 ले लिए, अब जब 1,00,000 रुपए आएंगे वो डायरेक्टली किसको मिल जाएंगे, बैंक को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो 5,000 रुपए का जो डिस्काउंट मिला वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी हो गई, सीबीएलओ ट्रांजेक्शन, मतलब आपने कोई रख लिया, मतलब वहां पे कोलेट्रल और उसके बदले में पैसा दिया, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो, रिवर्स रेपो, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर इनके रिलेटेड कोई फीस चार्ज की जा रही है, चार्जेस या प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अगर कोई इंटरेस्ट और डिस्काउंट है तो एग्जेम्प्ट है, बट उसके रिलेटेड अगर कोई चार्जेस वगैरह चार्ज किए जा रहे हैं, कोई अकाउंट ओपनिंग के लिए, कोई लोन प्रोसेसिंग फीस के लिए, कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंश्योरेंस बिजनेस और पेंशन बिजनेस की, इंश्योरेंस बिजनेस और पेंशन बिजनेस की। इंश्योरेंस बिजनेस और पेंशन बिजनेस में बोलता है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज है, किन किन स्कीम्स में, जनश्री स्कीम में, आम आदमी स्कीम में, वरिष्ठ स्कीम में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, जनधन, व्यय वंदन योजना में, लाइफ इंश्योरेंस माइक्रो प्रोडक्ट अप टू मैक्स कवर ऑफ 2,00,000, 2,00,000 रुपए तक का आपका अगर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवर है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस स्कीम है लाइफ के अलावा, जैसे फायर से हो गया, मरीन से हो गया, ये सारे इंश्योरेंस किसमें आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में। तो अगर कोई हट इंश्योरेंस है, कैटल इंश्योरेंस है, राष्ट्रीय हेल्थ स्वास्थ्य योजना है, इनके अंदर कोई जनरल इंश्योरेंस किया गया तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जनरल इंश्योरेंस में और भी बहुत सारी आइटम्स है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट वो इतनी याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 20-25 स्कीम है तो वो आपको याद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऊपर वाली जितनी भी स्कीम है उसका अगर वापस से री इंश्योरेंस किया जाता है, जब इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क कवर करने के लिए इनको वापस री इंश्योरेंस करवाती है, तो वो जो री इंश्योरेंस पे भी प्रीमियम पे करेंगी तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा अब वाले री इंश्योरेंस वाले पे। अगर अटल पेंशन योजना या फिर कोई ऐसी स्कीम, पेंशन स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन स्कीम चलाई गई है, या फिर अटल पेंशन योजना के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है, अब वो कलेक्ट करेगा कोई बैंक वगैरह कलेक्ट करेगा, तो उसके लिए कलेक्शन फीस चार्ज करेगा, तो वो जो कलेक्शन फीस है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन से होते हैं, जो आप पीएफ वगैरह आपकी सैलरी वगैरह से कटता है तो उसको जमा करवाया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, और उसमें पेंशन भी होती है जिसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है ईएसआईसी। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कोल माइंस में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनका अलग से कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो वो सारी क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज दी गई है किसको, By way of annuity under National Pension Scheme by PFRDA, मतलब Pension Fund Regulatory Authority वाले द्वारा कोई अगर National Pension Scheme के अंदर annuity में कोई services दी गई life insurance services की, और या फिर Army, Navy, Air Force या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो CISF, CRPF होती है, उनके इंश्योरेंस के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे केस में भी उसे क्या हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा, exempt हो जाएगा। उसके बाद कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट सर्विसेज देता है किसको, बैंकिंग कंपनी को, फॉर रूरल ब्रांच, रूरल ब्रांच के लिए अगर सर्विसेज दी है बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट ने, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट अगर अर्बन ब्रांच के लिए दी है तो टैक्सेबल हो जाएगी। और उसके केस में पढ़ा था कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देता है तो ऐसे केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता है। तो रूरल ब्रांच है तो एग्जेम्प्ट ही हो गया, और अर्बन ब्रांच है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स को पे करना पड़ेगा, बैंकिंग कंपनी को पे करना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट टू बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कोरस्पोंडेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कोरस्पोंडेंट के जो आगे एजेंट होते हैं, अगर उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसी बैंकिंग कंपनी रिलेटेड, रूरल ब्रांच के रिलेटेड अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराई है बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कोरस्पोंडेंट को, तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट अगर मान लो ये अर्बन रिलेटेड है तो ऐसे केस में जो एजेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड किए बिजनेस कोरस्पोंडेंट को, तो ऐसे केस में उस पर आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस कोरस्पोंडेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में नहीं, बिजनेस कोरस्पोंडेंट केस में आरसीएम की एंट्री पड़ी थी, जहां पे टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस कोरस्पोंडेंट आरसीएम में पे करेगा। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को रूरल ब्रांच में, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा,
एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर अर्बन ब्रांच होगी तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अभी कौन होते हैं बिजनेस फैसिलिटेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, होता क्या कि जो छोटे मोटे शहर होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां तक बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी की इतनी पहुंच नहीं होती, तो ऐसे केस में इनको अपॉइंट किया जाता है। ये लोग बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ये सब काम करते हैं, उनके लिए इनको पैसा मिलता है। तो ये बात हो गई। अब हम करेंगे लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे हमें आरसीएम भी रिलेट करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और यहाँ पे एग्जेम्पशन की भी बात करेंगे। तो लीगल सर्विसेज के बारे में हमने बात करी थी कि अगर कोई एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वो क्या है, आरसीएम में टैक्स पे करेगा। बट यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, मतलब गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके केस में भी टैक्स नहीं लगेगा लीगल सर्विसेज। और अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, हैविंग टर्नओवर, जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है उस लिमिट तक का टर्नओवर है, अगर पिछले साल में टर्नओवर जो उनको रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल करती है लिमिट, उतने तक का टर्नओवर है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर बिजनेस एंटिटी के अलावा कोई है तो वैसे टैक्स नहीं लग रहा, और बिजनेस एंटिटी भी, और बिजनेस एंटिटी का पिछले साल में टर्नओवर 20 लाख रुपए तक था, ठीक है, या 10 लाख रुपए जो भी एप्लीकेबल लिमिट है, अगर वहां तक था तो ऐसे केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा था तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा। रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा, वो बिजनेस एंटिटी पे करेगी, अगर कोई एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विसेज दी है। अब उसके बाद अगर सर्विसेज किसी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने ली है, अब लीगल सर्विस हो सकता है एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने सर्विसेज ली हो, एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट मान लो एक क्रिमिनल लॉयर है, उसको सिविल लॉ नहीं आता, उसके पास कोई केस आ गया सिविल लॉ का, तो उसने अपने किसी दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट से सर्विसेज ले ली, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर उसने सर्विसेज ले ली किससे, सीनियर एडवोकेट से, तो ऐसे केस में उसके अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई लीगल सर्विसेज की। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की। तो स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में क्या बोला है कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी गई है फॉर स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, वेरियस स्पोर्ट्स काउंसिल, पैरालंपिक ओलंपिक कमेटी, पंचायत, युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना के अंतर्गत, तो अगर इन सब चीजों में स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की गई है फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा स्पॉन्सरशिप के ऊपर। ध्यान रखना, किसने करवाया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, वेरियस स्पोर्ट्स काउंसिल, पैरालंपिक ओलंपिक कमेटी, पंचायत, युवा क्रीड़ा, खेल अभियान योजना के अंदर। उसके बाद अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, देखो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बहुत सारी हैं तो याद तो नहीं कर पाओगे, तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, बीसीसीआई हो गया, ये सारे क्या रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी हैं, अगर इनको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है किसी दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के द्वारा, तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने किसी दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज प्रोवाइड कराई, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर किसी इंडिविजुअल ने रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज प्रोवाइड कराई एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, या तो प्लेयर एज अ रेफरी या अंपायर या कोच या टीम मैनेजर, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है एज अ सेलेक्टर, कमेंटेटर, टेक्नीशियन, क्यूरेटर या फिर कोई अलग हो, मतलब प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर के अलावा अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है इंडिविजुअल ने, तो ऐसे केस में वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, अगर कोई आर्टिस्ट ने परफॉर्मेंस दिया है, म्यूजिक के केस में, डांस के केस में, थिएटर के केस में, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, थिएटर के लिए परफॉर्मेंस दिया है, और वो भी किस कैटेगरी में, क्लासिकल या फोक कैटेगरी में, और अमाउंट चार्ज किया है 1.5 लाख रुपए तक, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जैसे ही अमाउंट 1.5 लाख रुपए से ऊपर जाएगा, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर उसने सर्विसेज दी है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, उसने जो परफॉर्मेंस किया वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर किया किसी कंपनी का, तो ऐसे केस में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, भले ही अमाउंट क्या हो, 1.5 लाख रुपए से कम हो, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप किसी म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू वगैरह में जाते हो, वहां पे उनको टिकट पे करते हो, या फिर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाते हो, वहां पे कोई टिकट पे करते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप कोई सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स इवेंट, प्लेनेटेरियम, मतलब कोई क्रिकेट वगैरह स्टेडियम क्रिकेट देखने चले गए, कोई प्लेनेटेरियम क्या होता है, जहां पे ये समुद्री जीव जंतुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जू हो गया एक तरह से जो समुद्री जीव जंतुओं का, तो वहां पे अगर जा रहे हो, कोई कॉन्सर्ट में जा रहे हो, म्यूजिक कॉन्सर्ट में, तो अगर 500 रुपए तक की टिकट है तो एग्जेम्प्ट है, अगर 500 रुपए से ऊपर टिकट होगी तो ऐसे केस में टैक्स देना पड़ेगा पूरी टिकट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन बात करेंगे ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की। देखो ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल,
जो इसी ने बनाई है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, या फिर इन्होंने कोई असेसमेंट एजेंसी अपॉइंट किया है, या फिर ट्रेनिंग पार्टनर अपॉइंट किए हैं जो स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए, और किसके अंदर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, वोकेशनल डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, अदर स्कीम बाय एनएसडीसी के द्वारा। तो ऐसे केस में स्किल डेवलपमेंट के लिए जो एनएसडीसी है, एसएससी है और असेसमेंट एजेंसी है, ट्रेनिंग एजेंसी है, पार्टनर है, तो उनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उन्होंने कोई असेसमेंट एजेंसी को अपॉइंट किया है असेसमेंट करने के लिए कि कैसा कर रहे हैं काम, तो उसको भी ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में। चलिए, अब ये तो बात हो गई, सेक्टर वाइज हमने बात करी। अब ऐसी सर्विसेज हैं जिनको सेक्टर में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, उनको मैंने बोल दिया अदर एग्जाम सर्विसेज। अब कौन कौन सी है बात करते हैं। अगर कोई सर्विसेज है, कैसे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, आपने पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, एज अ गोइंग कंसर्न चलता फिरता बिजनेस दे दिया, उसके बदले में आपने कोई अमाउंट चार्ज किया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड की है, किसने, इसरो ने, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने, या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, इसरो, अंतरिक्ष कॉर्प, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अगर सैटेलाइट लॉन्च की सर्विसेज दी है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। हाँ, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई, आपने मीटर जो लगवा रखा उसका रेंटल चार्जेस पे कर रहे हो, टेस्टिंग चार्जेस पे कर रहे हो, कोई लेबर लगवाई है, आपने कोई मीटर को इधर उधर करना था, या फिर केबल को इधर उधर करना था, उसके लिए आपने कोई बंदे को बुलाया, और आपने डुप्लीकेट बिल चाहिए था, उसके लिए कोई चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के अलावा अगर कोई चार्जेस दिए हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्जेस के जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने कोई न्यूज कलेक्ट की है और प्रोवाइड की है, ऐसी कोई सर्विसेज दी है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। किनको? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। अगर कोई पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू सर्विसेज दी गई है, कोई बुक्स वगैरह रेंट पे दी गई है, कोई मेंबरशिप वगैरह, तो उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगेगा। अगर कोई एग्जीबिशन है जो आउटसाइड इंडिया रखी गई है, कोई एग्जीबिशन जो आउटसाइड इंडिया रखी गई है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ली गई है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो बाहर की एम्बेसीज इंडिया में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी मान लो इंडिया में है, अगर उसने कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर किसी व्यक्ति ने उस एम्बेसी को सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर आरटीआई के अंडर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कोई पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट, जैसे सुबह शौचालय वगैरह होते हैं, तो इनकी सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, या फिर टेक्नोलॉजी बायो इंक्यूबेटर वगैरह, ये सारे ना अपॉइंट कर दिए जाते हैं, एक एरिया डेवलप कर दिया जाता है, जहां पे जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लोग रिलेटेड काम कर सके और उन्हें सारी फैसिलिटी दी जा सके। तो वहां पे जो फैसिलिटी देने के लिए जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, या फिर टीबीआई, या फिर बायो इंक्यूबेटर है, उन्होंने जो सर्विसेज दी है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और वहां पे आके जो कंपनीज एस्टेब्लिश होंगी, वहां पे आके जो मान लो सॉफ्टवेयर पार्क बनाया, तो वहां पे सॉफ्टवेयर कंपनी आके काम करेगी, तो ऐसे केस में अगर उसका टर्नओवर 50 लाख तक है, और उसका पिछले साल जो टर्नओवर है 50 लाख से एक्सीड नहीं किया, और 3 साल नहीं हुए हैं उसे अभी तक आए हुए, तो तब तक के लिए उसे क्या है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 3 साल के लिए एग्जेम्प्शन मिला है, 50 लाख रुपए तक टर्नओवर होना चाहिए तभी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, एनपीओ अनरजिस्टर्ड है, एनपीओ रजिस्टर्ड सॉरी, जो लोग हैं, लोगों ने आपस में मिलकर खुद के लिए वेलफेयर के लिए क्या बना लिया, एक सोसाइटी बना ली, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी बना ली, जिनको रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अपने ही मेंबर से क्या लेते हैं, कंट्रीब्यूशन लेते हैं, वो मेंबर सारा कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उससे सर्विसेज देते हैं। तो अगर वो ट्रेड यूनियन है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर ट्रेड यूनियन है। अगर कैरिंग आउट एक्टिविटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो अगर वो ऐसी अनइनकॉर्पोरेट बॉडी है जो काम क्या कर रही है, वो ऐसा काम कर रही है जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। मान लो किसान लोग मिलकर आपस में एक बनाते हैं, और वो एक ऐसा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे केस में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन लिया है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी रिलेटेड टू वेलफेयर या इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबर फार्मर प्रमोट ट्रेड कॉमर्स स्पोर्ट्स, मतलब ये सारी जो प्रमोट ट्रेड कॉमर्स स्पोर्ट्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर इंडिविजुअल लेबर फार्मर को प्रमोट करने के लिए एक एसोसिएशन जो बना ली है उन्होंने, वो एसोसिएशन अगर कंट्रीब्यूशन अपने मेंबर से ले रही है, वो 1000 रुपए तक है, अगर कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए तक है पर ईयर, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 1000 से अगर ऊपर चला गया, तो उसके अंदर जीएसटी लग जाएगा। अब एक और, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी,
जो ये मान लो बड़े बड़े जो सोसाइटीज होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स खड़े कर देते हैं, तो वो अपने कॉमन पर्पज के लिए क्या करते हैं, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी बना लेते हैं, जिनका काम होता है कि सोसाइटी के जो कॉमन काम है वो लोग वहां पे करवाएंगे। अब उसके लिए क्या किया जाता है, सोसाइटी के जो लोग वहां पे रह रहे हैं, वहां पे फ्लैट में रह रहे हैं, उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, मेंटेनेंस लिया जाता है। तो कितना लिया जाता है, मान लो अगर 7500 रुपए तक लिया जाता है, अगर 7500 रुपए पर मंथ तक लिया जाता है तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कंट्रीब्यूशन 7500 से ऊपर है तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 7500 काउंट किया जाएगा, 7500 काउंट किया जाएगा, उसमें ऐसे जो प्योरली रिइंबर्समेंट नेचर के होते हैं, जैसे अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, आरडब्ल्यू ने तो प्रोवाइड नहीं की, वेलफेयर सोसाइटी ने तो प्रोवाइड नहीं किया, तो ऐसे जो नेचर जो बिल्कुल रिइंबर्समेंट नेचर के, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, तो ये सब सारे चार्जेस 7500 की लिमिट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद जो 7500 की लिमिट है, मान लो एक बंदे के पास दो फ्लैट है, तो ऐसा नहीं कि उस बंदे के 7500 लगेगा, हम देखेंगे कि पर फ्लैट उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 7500 तक है क्या। तो ऐसा अगर मान लो एक फ्लैट का 4000 रुपए ले रहे हैं, तो एक बंदे के पास दो फ्लैट है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 8000 हो गया पर मेंबर, पर हम यहां पे देखेंगे पर फ्लैट कितना लिया जा रहा है, पर फ्लैट 4000 लिया जा रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि 7500 से कम है। अब इसके ऊपर एक और चीज, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं ना, मान लो जो आरडब्ल्यू है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें मान लो 10 फ्लैट है और हर किसी से कितना अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, 9000 रुपए चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब 9000 × 10 मंथली कितना अमाउंट हो गया, 90000, ठीक है, और 12 महीने का कितना हो गया, ये 10,80,000। तो 10,80,000 ही पूरा टोटल टर्नओवर है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का। इसका मतलब टर्नओवर की लिमिट कितनी होती है, 20 लाख रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आरडब्ल्यू को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, और जब टर्नओवर ही 20 लाख से कम है और उसे रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना, तो ऐसे केस में भले ही जो वो कंट्रीब्यूशन है वो 7500 से ऊपर हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। अब कंट्रीब्यूशन यहां पे 9000 है तो भी यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जीएसटी कौन पे करेगा, टैक्सेबल पर्सन। और जब तक ये 20 लाख का इसका टर्नओवर नहीं है तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, तो ऐसे केस में जो कंट्रीब्यूशन भले 7500 से ऊपर हो जाएगा तो भी इसके ऊपर एग्जेम्पशन रहेगा। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से कम है तो आपके ऊपर हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा, जब 7500 से ऊपर है। पर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। और अगर 20 लाख रुपए से ऊपर है तो भी अगर कंट्रीब्यूशन 7500 तक है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर कंट्रीब्यूशन 7500 से ऊपर गया तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं रह पाएगा अगर वो भी 20 लाख रुपए से ऊपर है। अब मान लो यहाँ पे 20 फ्लैट होते तो ये हो गया मान लो 1,80,000 और ये हो गया 21,60,000। अब टर्नओवर कितना हो गया, चला गया 21,60,000, 20 लाख से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 9000 है उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। अब मान लो अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता 6000, अब मान लो कंट्रीब्यूशन होता 6000, ठीक है, और 30 फ्लैट है मान लो, ठीक है, अब कितना हो गया, 1,80,000 हो गया, और पूरे साल का अगर देखेंगे तो 21,60,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,80,000 × 12, 21,60,000। तो टर्नओवर तो 20 लाख से ऊपर चला गया बट कंट्रीब्यूशन ही 7500 से कम है तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से अपने को देखना है। तो ये सारे कंप्लीट हो गए ऐसे एग्जेम्पशन जो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में मिलते हैं और आईजीएसटी में मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसे एग्जेम्पशन जो सिर्फ और सिर्फ कहां है, आईजीएसटी में, क्योंकि उनकी ट्रांजेक्शन का नेचर ही क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो क्या लगेगा, आईजीएसटी, तो उसके लिए आईजीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया। ऐसे कौन कौन से हैं वो हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला गया कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, कोई सर्विस प्रोवाइडर जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, कोई आउट ऑफ इंडिया का कोई बंदा है, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की गई है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अथॉरिटी और इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड को, या फिर ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है अंडर 12A, 12AB में, या फिर पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो जो भाई बाहर के बंदे को सर्विसेज प्रोवाइड कराई तो जीएसटी नहीं लगेगा, बाहर के बंदे ने ही किसी ट्रस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड कराई इंडिया वाले को तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, बाहर के किसी बंदे ने, आउटसाइड इंडिया वाले बंदे ने गवर्नमेंट को या फिर इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज प्रोवाइड कराई तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड कर रहा है डिग्री एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, तो मतलब जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं अगर उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की सर्विसेज ली है किसी बंदे से जो कि आउटसाइड इंडिया का है तो ऐसे केस में उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कहने का मतलब अगर आउटसाइड इंडिया का कोई बंदा है अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड को, ट्रस्ट को, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आउटसाइड इंडिया वाले बंदे को ही, या फिर एजुकेशनल जनरल के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन जनरल के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट यहां पर बोल दिया गया
कि अगर OIDR सर्विसेज है, OIDR सर्विसेज क्या होती हैं? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, मान लो ऑनलाइन गूगल पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये सारी सर्विसेज क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, जैसे नेटफ्लिक्स पे मैं सब्सक्रिप्शन लेके देख रहा हूं, तो ये सारी क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। अगर ये सर्विसेज आउटसाइड इंडिया वाला बंदा प्रोवाइड करता है, भले ही वो प्रोवाइड करे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड को या फिर ट्रस्ट को, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी इसके ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। अगर इनको भी प्रोवाइड करेगा ऊपर वाले दो को OIDR सर्विसेज, तो भी टैक्स लग जाएगा। अब कौन पे करेगा वो अपन आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर बाहर से गुड्स लाया जा रहा है वेसल के थ्रू, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में गुड्स लाया जा रहा है वेसल के थ्रू, तो उसके ऊपर भी GST लग जाएगा, उसके ऊपर कोई भी एग्जेम्प्शन नहीं है, चाहे प्रोवाइड कौन कर रहा हो, बाहर वाला बंदा प्रोवाइड कर रहा हो सर्विसेज। ये वाली बात हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्टर। देखो मेरे पास एक फॉरेन टूरिस्ट था, उसको मैंने टूर कंडक्ट करके दिया, और मैंने टूर कहां पे कंडक्ट किया, मान लो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उसको न्यूजीलैंड में घुमाया, ठीक है, उसका मैंने चार्ज किया 10 लाख रुपए। तो ऐसे केस में टूर कहां कंडक्ट किया गया, पूरा आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मान लो मैंने उसे इंडिया में भी घुमाया और आउटसाइड इंडिया भी घुमाया, मैंने उसको जो टूर कंडक्ट करके दिया उसमें मान लो मैंने श्रीलंका में घुमाया और एक घुमाया इंडिया में, तो ऐसे केस में बोल दिया गया कि जब पार्शली आउटसाइड इंडिया और पार्शली इंडिया में कराया गया है टूर, तो ऐसे केस में टू द एक्सटेंट ऑफ टूर कंडक्ट आउटसाइड इंडिया, तो जितना टूर आउटसाइड इंडिया कंडक्ट किया गया है उतना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैसे पता लगेगा कितना बाहर किया गया है? तो ऐसे केस में ऑन द बेसिस ऑफ डेज, टोटल डेज कितने स्पेंड किए, उसमें से आउटसाइड इंडिया कितने स्पेंड किए, उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली अमाउंट कितना चार्ज किया गया, वो कितना अमाउंट आउटसाइड इंडिया के लिए वो पता लगा लेंगे। और 50% ऑफ द अमाउंट चार्ज, ठीक है, विच एवर इज लेस, क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब 50% से ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, भले आप ज्यादा दिन बाहर रुके हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, और इसमें अगर 12 घंटे से ज्यादा का टाइम आपने स्पेंड किया है तो उसे एक दिन मान लिया जाएगा, और 12 घंटे से कम का टाइम स्पेंड किया है तो इसे हाफ डे मान लिया जाएगा। अब मान लो बताता हूं, टूर कंडक्ट किया श्रीलंका और इंडिया में, मान लो श्रीलंका में 3 दिन रहा और इंडिया में 2 दिन रहा, पैसा चार्ज किया गया 15 लाख रुपए, ठीक है। अब 15 लाख रुपए अगर चार्ज किया गया तो 3 दिन का श्रीलंका का कितना बन गया, डेज के हिसाब से देखो 10 लाख रुपए श्रीलंका का बन गया, और इंडिया का कितना बन गया, 5 लाख रुपए, सॉरी 15 / 5 × 3 9 लाख रुपए बन गया, ठीक है, 9 लाख रुपए बन गया श्रीलंका का, और इंडिया का बन गया 6 लाख रुपए। तो अब बताओ 9 लाख रुपए आउटसाइड इंडिया वाला आ गया, और मैंने क्या बोला था 15 लाख रुपए का 50% जितना अमाउंट चार्ज किया उसका 50% 7,50,000, तो मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा एग्जेम्पशन 7,50,000 का। तो 15 लाख में से 7,50,000 रुपए तो GST नहीं लगेगा, और 7,50,000 रुपए पे GST लग जाएगा। अब मान लो उल्टा है, श्रीलंका में 2 दिन बिताए और इंडिया में 3 दिन बिताए, इसका मतलब 6 लाख रुपए श्रीलंका के लिए और इंडिया में 9 लाख रुपए, और 50% कितना हो रहा है 7,50,000, तो विच एवर इज लेस 6 लाख, तो 6 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा और 9 लाख रुपए पे GST लग जाएगा। अब उसके बाद मान लो मैं 12 आवर्स वाला ही बता देता हूं, मान लो श्रीलंका में आपको दिन लग गए, आपको लग गए दो दिन और 6 घंटे लग गए श्रीलंका में, ठीक है, और इंडिया में आपको लगा 1 दिन और 18 घंटे, तो इसका मतलब आपने श्रीलंका में कितने दिन बिताए, श्रीलंका में कितने दिन, 2 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे को क्या मान लिया जाएगा, 12 घंटे से कम है तो आधा दिन मान लिया जाएगा, तो मतलब श्रीलंका में आपने 2.5 दिन बिताए, और इंडिया में आपने कितने बिताए 1 दिन और 18 घंटे, इसका मतलब 18 घंटे को क्या मान लिया जाएगा, 12 घंटे से ऊपर है पूरा दिन मान लिया जाएगा, तो 2 दिन आपने बिताए इंडिया में। मान लो अमाउंट चार्ज किया गया 4,50,000 रुपए, ठीक है, तो अब यहां पे अगर श्रीलंका का देखा जाए तो श्रीलंका का अमाउंट बनता 2,50,000 डेज के हिसाब से, और इंडिया का बनता 2 लाख रुपए, तो ऐसे केस में क्या 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, नहीं, कितना मिलेगा 4,50,000 रुपए इंटू 50% 2,25,000, तो 2,25,000 कम है 2,50,000 कम है 2,25,000, तो एग्जेम्पशन कितना मिल जाएगा 2,25,000 का, और 4,50,000 में से 2,25,000 पे GST पे करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। ये आपको टूर वाला समझ आया, ये कुछ नया पॉइंट भी था और अच्छा पॉइंट था, तो एक बार मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, तो ये आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी, कोई ऐसा एजेंट बैठा है यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंटरमीडियरी की, किनको, जो सप्लायर को और रेसिपिएंट को, जो कि दोनों ही आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, और जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रूफ के लिए रखने पड़ेंगे 5 साल के लिए, प्रूफ करने के लिए कि भैया ये जो लोग हैं दोनों आउटसाइड इंडिया थे। उसके बाद
इंडिया में कोई कंपनी है उसकी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन आउटसाइड इंडिया है, मतलब मेरी यहां पे कंपनी है और उसकी ही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, मेरी ही कोई कंपनी वहां पे क्या है ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक ब्रांच खोल रखी है, तो ऐसे केस में मैंने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी आउटसाइड इंडिया मेरी ही ब्रांच को और वहां का प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है आउटसाइड इंडिया ही आ रहा है, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है किसने, यूएन ने या फिर स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, यूएन या फिर यूएन के द्वारा जो स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, अगर इन्होंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है किसी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ने या फिर कोई काउंसलर पोस्ट ने या फिर डिप्लोमेटिक एजेंट ने या फिर कैरियर काउंसलिंग ऑफिस ने, मतलब कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ऑस्ट्रेलिया की यहां पे एम्बेसी है, काउंसलर पोस्ट है, डिप्लोमेटिक एजेंट है, यहां पे राजदूत है, उन्होंने अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया भले ही वो पर्सनल पर्पज के लिए किया हो या ऑफिशियल पर्पज के लिए किया हो, अगर इंपोर्ट किया है सर्विसेज तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके अलावा कुछ थोड़े एग्जेम्पशन, जैसे अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, SEZ के द्वारा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए जाते हैं, तो उन्होंने अगर सर्विसेज इंपोर्ट किया है SEZ यूनिट ने, SEZ डेवलपर ने, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, इसको हमने सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में भी डिस्कस किया था। उसके बाद अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा, तो ऐसे सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारा अपना जो कवर हो गया एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी चैप्टर। ध्यान रखना ये एग्जेम्पशन बहुत सारी हैं, तो ये आपको बाय हार्ट याद होना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, बट ये सारी एग्जेम्पशन का एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये कोई एग्जेम्पशन आपके किसी क्वेश्चन में भी आ सकती है जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो इन सब चीजों को क्या है, दो तीन बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको एटलीस्ट एग्जाम में क्लिक हो जाएगा कि यार ये एग्जेम्पशन, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, इसका तो एग्जेम्प्ट है, तो ये टैक्सेबल नहीं है, इसके ऊपर जीरो लगाना है जीएसटी। तो मतलब आप दो तीन बार उसको इस प्रकार से रिवाइज कर लो एग्जेम्पशंस को कि आप उसको देखते ही पहचान जाओ कि यार ये एग्जेम्पशन थी। आपको याद करना मेरे को पता है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट याद करना पॉसिबल नहीं है, बट उसको देख के पहचानना पॉसिबल होना चाहिए। ये दो तीन बार आप रिवाइज कर लो तो उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी कोई भी इससे रिलेटेड डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।